आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। इस शो का लुत्फ आप उठा रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। फिलहाल निफ्टी पर बुल्स का वर्चस्व जारी है। 109 अंक ऊपर ये इंडेक्स आपके सामने 17163 पर फिलहाल जुड़ा हुआ दिखेगा तेजी में, और निफ्टी बैंक में आप लगभग 162 अंक का हरा निशान देख रहे हैं 36140। ऊपरी सतह से यहां पर काफी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन फिलहाल ये दोनों इंडिसीज हरे निशान में टिके हुए। वीरेन जी का स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, उम्मीद यही करते हैं कि मार्केट्स में अगर आप देखें मंगलवार का अंतिम दौर बेहद शानदार रहे, और क्या करना चाहिए निफ्टी पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच का रहेगा, पूरा का पूरा पैनल जुड़ेगा। लेकिन करते हैं पहले इंडिसीज पर बातचीत। देखिए क्या करना चाहिए, सीएनबीसी आवाज की अप्रोच क्या थी और उस पर अब हम क्या करें ये बात करते हैं। देखिए सुबह सुबह निफ्टी का चार्ट लेकर आइए। हमारा निफ्टी पे कमेंट्री थी जो सीएनबीसी आवाज की, उसके मुताबिक 17159 जैसे ही निकले आपको बाय करना था। दैट वाज 100 डे एक्सपेंशन इन एवरेज, और आपको आवाज ने जो एग्जिट जोन दिया था वो था 17323। आज का इंट्राडे हाई है 17324-325। आपको एग्जिट मिला बहुत शानदार, बहुत लेवल। ये मैं एग्जैक्टली 10:30 पर भी सुबह 8:07 बोल के गया था ये लेवल दिखाई दे एग्जिट कीजिएगा। निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या थी, जैसे ही 36390 निकले बाय कीजिएगा, 36800 के जोन में आपको एग्जिट करना है। दो अगर आप देखें खूबसूरत एग्जिट रेट्स आपको मिले। याद रखिएगा मैं नहीं जानता इस वक्त फॉर द टाइम नहीं, मैं नहीं फोकस कर रहा हूं दैट फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा एग्जिट जोन इस बात पर निर्भर था कि 17300 की कॉल वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कल सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती थी। तो देखिए आपको निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर अच्छे ट्रेड्स मिले, मोमेंटम मिला, एग्जिट मिला। अभी क्या ट्रेड लेंगे मैं अभी नहीं तय करूंगा, मैं ट्रेड लूंगा 230 से लेकर 235-245 के बीच में, क्योंकि बड़ा स्विंग तब मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं लेकिन फॉर द टाइम नहीं, क्योंकि आज सुबह की अप्रोच ये थी कि जब तक 16964 वॉल्यूम नहीं होगा शॉर्ट नहीं करेंगे, तो मैं अभी शॉर्ट न लॉन्ग ट्रेड कोई लूंगा। लेकिन इंडेक्स पे अभी न्यूट्रल भी है, कोई ट्रेड नहीं लेंगे, लेंगे 230 या फिर 235 या 245 के बीच में यह अप्रोच। आइए एक काम करते हैं, आपकी मुलाकात कराता हूं पैनल से, और पैनल में जो लोग आज मौजूद होंगे उसमें हमारे साथ मयूरेश जोशी होंगे, फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं, उनसे करेंगे बातचीत। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से असित बरनपाती, राजेश पालविया, प्रकाश काबा, श्रीकांत चौहान और साथ ही साथ रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। याद रखिएगा कल तारीख एक है, जमाना खुश होगा पहली तारीख होगी, लेकिन बिक्रियों की आंकड़ों का आना भी जारी रहेगा। ऑटो कंपनियां कैसे नंबर पेश करेंगी, यथिन से एक एस्टिमेट समझेंगे, कौन देगा बुरे नंबर्स, किन से अच्छे नंबर्स की उम्मीद है नवंबर के महीने के लिए, करेंगे बातचीत। और उसके बाद डीलिंग रूम चेक यथिन के साथ होगा, और साथ ही साथ उसके बाद 3:10 पे मैं और शैलजी करेंगे बीटीएस ट्रेड का क्रम्स यानी मोमेंटम कॉल्स कल के लिए। शैलजी कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने, फिलहाल 2-3 ट्रेड्स जो हैं वो बढ़िया तरीके से पकते हुए दिख रहे हैं, और ये फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं तो यहाँ पर डर भी आपको कम लगेगा। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए अल्ट्राटेक का एक शानदार चार्ट, जहाँ पर आप 7503 का प्राइस आते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ राजेश पालविया साहब और प्रकाश काबा साहब जुड़े हुए हैं। राजेश जी ये प्रश्न आपसे है, बताइए अल्ट्राटेक में कुछ ट्रेड आपको स्विंग के तौर पर दिखता हो तो। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखिए आज सीमेंट स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, और जिस तरीके से अल्ट्राटेक में अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अब पिछले 15 मिनट में देखने को मिला है। हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, बाय करना चाहिए। फ्यूचर 7521 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और हमें लगता है कि इसमें अपसाइड का जो मोमेंटम बना है ये जाएगा करीब 7500 की तरफ। करंट लेवल से छोटा ही स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें, 7485 ये स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है अल्ट्राटेक सीमेंट। चलिए ये राय अल्ट्राटेक सीमेंट पर आती हुई दिख रही है, लेकिन खबरों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है, शीतकालीन सेशन आपके सामने फिलहाल नई दिल्ली में बिल्कुल अग्रसर है, और वहां से बहुत खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं लक्ष्मण रॉय साहब के पास से। लक्ष्मण जी बताइए क्या है आपके पास फिलहाल खबर विनिवेश को लेकर।
देखिए विनिवेश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है एनआईएल को लेकर के, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो एनआईएल है उसमें सरकार स्ट्रेटेजिक सेल का फैसला लिया था। तो आज वित्त मंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया है कि एनआईएल के लिए, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाए गए थे, कई सारे आवेदन आए हैं, क्वालिफाइड बिडर्स का ड्यू डिलीजेंस किया जा रहा है और ड्यू डिलीजेंस के बाद फाइनेंशियल बिडिंग प्रोसेस शुरू होगा। और बता दूं कि एनआईएल जो है एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, इसमें 49.78% हिस्सेदारी एमएमटीसी की है, उसके अलावा छोटी छोटी हिस्सेदारी बाकी सरकारी कंपनियों की है। तो यानी एयर इंडिया के बाद हमने कल देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और अब लगता है कि एनआईएल की बारी है। तो ये खबर आपको वैसे तो नीलांचल पर आती हुई दिख रही है, लेकिन ध्यान दीजिए नीलांचल लिस्टेड नहीं है, इसकी जो मेन शेयर होल्डर है वो है एमएमटीसी, जहां पर आप एक बढ़िया चाल आते हुए देख रहे हैं। लक्ष्मण जी, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये एक स्टील कंपनी है जिसके विनिवेश की चर्चा हो रही है और यहां पर आप जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है पिग आयरन का, वो है नीलांचल। अब जरा एमएमटीसी पर नजर डालते हैं। पालिया साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये काउंटर भी आपको एक बढ़िया स्विंग ट्रेड में तैयारी करता हुआ दिख रहा है। हम लोगों ने फिलहाल 52 का हाई देखा और आज काउंटर 40 रुपए 45 पैसे, 40 रुपए 55 पैसे। कुछ टिप्पणी आप करना चाहेंगे यहां पर? देखिए अच्छा बाउंस बना है स्टॉक में, हालांकि पिछले दिनों में करेक्शन जरूर देखने को मिला, लेकिन अगर हम आज के मूव को देखें तो इसने लास्ट 3 दिन के सेशन को ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं जो डाउनफॉल था उसको कवर करते हुए दिख रहा है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आज ये स्टॉक 40 रुपीज 50 पैसा के ऊपर अगर आज क्लोज करता है तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा नियर टर्म चार्ट पर। हमें लगता है उसके बाद स्टॉक में 44 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से बाय किया जा सकता है, 39 का 1 रुपए का स्टॉप लॉस रखे करंट मार्केट प्राइस से। आज की क्लोजिंग 40 रुपीज 50 पैसे के ऊपर होती तो हमें लगता है ये 44 तक भी यहाँ पे तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। के आसपास का लक्ष्य आपको साधते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर पालिया साहब। लक्ष्मण जी से दोबारा जुड़ेंगे। लक्ष्मण जी, और कुछ आप यहाँ पर नीलांचल के बारे में ऐड करना चाहेंगे? फिलहाल एमएमटीसी अगर आप देखें तो यहाँ पर बुक वैल्यू तो इसकी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, लेकिन 5692 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और क्या क्या कहा राज्यसभा में वित्त मंत्री जी ने? देखिए राज्यसभा वित्त मंत्री जी ने एक तो ये सवाल का जवाब दिया और दूसरे जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, जो हम लोगों ने काफी चर्चा भी की, वह है बिटकॉइन को लेकर के, जिस पे क्रिप्टो करेंसी को लेकर जिस पे काफी चर्चा पहले भी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए जो बिल तैयार था उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं और रिवाइज करके फिर एक नया बिल लाएंगे। क्रिप्टो पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं होगी, हाँ उसके रेगुलेशन के हिंट यहां पर जरूर दिए हैं और बिल लगभग तैयार है तो संसद किसी सत्र में आएगा। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा मौका होगा जब हम लोग खबरें करेंगे क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर के और उस पर सरकार की रणनीति को लेकर के। और कल कैबिनेट की बैठक है तो हो सकता है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ बिल आपको कैबिनेट की बैठक में आए, हालांकि अभी तक एजेंडा शामिल नहीं हुआ, सिर्फ अटकल है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। कोई भी बिल तभी आता है जब कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो कैबिनेट से मंजूरी अभी तक क्रिप्टो करेंसी बिल को नहीं मिली है और कल बैठक होने वाली कैबिनेट की, तो इस वजह से कल का दिन भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए, ये राय आपके सामने क्रिप्टो करेंसी के बिल पर आती हुई दिख रही है और बिल्कुल सही मौका कि यहां पर जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस एसेट क्लास के बारे में कहा है उसको एक बार आप भी सुनिए। डेट साहब, बंद करने का उपाय अभी तक कुछ नहीं है, मगर जरूर कॉशन देने का युवाओं को इस विषय में जो रिस्क है उस विषय में ध्यान दिलाने के लिए कदम उठा रहे हैं सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। जैसे मैंने कहा इससे और अधिक मात्रा में वो कर सकते हैं, मगर अब हम इस कगार पर आ गए हैं कि हमारे बिल जल्दी आने वाला है। चलिए, आपको सतर्कता बरतने के लिए कह रही हैं निर्मला सीतारमण जी और यहां पर आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है, रोज यहां पर इतने जबरदस्त मूवमेंट्स होते हैं कॉइन प्राइसेस में और एनएफटीज में कि अगर आप सतर्कता बरतें और निवेश की तरह इसको देखें कि गिरावट में खरीदें और पीक में बेचें तो शायद वो एक बहुत बढ़िया बात होगी। फिलहाल सरकार इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक बिल को तैयार कर रही है और उसकी अहम पेशकश
इस शीतकालीन सत्र में आपको होती हुई दिखेगी। वीरेन जी को वापस जोड़ेंगे। फिलहाल दिल्ली से खबरों का सिलसिला इतना ही। कुमार साहब जी शैलजी के देखें, अब इन खबरों के सिलसिले के बाद एक बार फिर से लौटते हैं बाजार पे। एक काम करते हैं, हमारे विशेषज्ञों की राय ले लेते हैं उनकी ट्रेड्स पर। राजेश पालवे जी आपका बताइए, स्क्रीन पे मौजूद सभी विशेषज्ञों के लिए क्या है स्क्रीन पर? निफ्टी स्थिर हो गया इस रेंज पर और बैंक निफ्टी जो है वो 36,000 की रेंज को पकड़ के ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी आपका कन्विक्शन क्या कहता है इस वक्त, एग्जैक्टली क्या ट्रेड पकड़ के चलना चाहेंगे आप इस क्लोजिंग में? तो वीरेन जी देखिए, वोलेटिलिटी तो रहेगी मार्केट में, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन है मार्केट में आज के सेशन में स्पेशली। तो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला, उसमें हमें गोदरेज सीपी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके के स्टॉक में कल एक रिकवरी बनी थी, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रही, तो गोदरेज सीपी पे बाय करने की सलाह देंगे। 929 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में पिछले दिनों में कंप्लीट होते हुए दिख रहा है और अब जिस तरीके से रिवर्सल बना है, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से 945 से 950 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 929 पे फ्यूचर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 919 का, टारगेट होंगे 945-950 तक के। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो 930 का ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 26 रुपए का और टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 38 रुपए से 40 रुपए तक के। ओके, गोदरेज कंज्यूमर आप यहां पर बाय करके चलना चाहेंगे। और स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 930 की जो कॉल है उस पर आप फोकस कर रहे हैं। 2955 पर ट्रेड करते हुए यहाँ पर लगभग आज 68,000 शेयर्स ओपन हुए में जुड़े भी हैं। रचना जी आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा 2 बजे का बताइए। जी मेरा जो कन्विक्शन कॉल रहेगा वो वोल्टास से रहेगा। वोल्टास के फ्यूचर्स में जब तक हम 1180 का लेवल सस्टेन होते हुए देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे ऑल चांसेस के हम दोबारा से 1225 एंड 1235 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो वोल्टास फ्यूचर्स अगर आप बाय करके चलने की राय दे रही हैं 1205 पे, याद रखिएगा व्हाइट गुड सेगमेंट में आज सब्सटेंशियल मूव है आपके स्क्रीन पर। वोल्टा सुबह सुबह हमारी बातचीत भी हुई थी और हेवल्स आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक स्टॉक ये भी था सुबह सुबह जिसने काफी अच्छा खासा किया था और हेवल्स ने आज अपने इस दौर की मतलब समझ लीजिए कि सितंबर 1 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करी है, तो व्हाइट गुड सेगमेंट में आपका ट्रेड होगा। मीनवाइल एक महत्वपूर्ण खबर आती थी, मारुति सुजुकी ने इको के दाम जो है वो करीब 8,000 रुपए बढ़ाए हैं, तो यहां पर मारुति करीब 7169 पे ट्रेड करता था इको के दाम। दरअसल उन्होंने यहां पर इस गाड़ी में जो है एक एयर बैग स्थापित किया है, एयर बैग लगाने की वजह से अगर आप देखें इसके दामों में एक वृद्धि की है। खैर अब चलते हैं प्रकाश कावा सर के पास। प्रकाश सर आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या हुआ इस वक्त बताइए। बर्जर पेंट्स की जो करेक्शन था वो खत्म हुआ और जो आज का मूव है बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है यहां से अपन शुरू होना चाहिए। स्टॉप लगाइए 750 का, कहां बेचे? फर्स्ट टारगेट रहेगा 780 का, मुझे लगता है वहां तक चला जाएगा और एक बार वहां पहुंचा तो फिर 800 की तरह तैयारी कीजिए। बर्जर पेंट्स 780 टारगेट के लिए, स्टॉप 750। आप देखिए इतनी जबरदस्त बिकवाली के बाद लगभग 3 हफ्ते से हम लोग यहां पर लगातार एक लाल निशान देख रहे हैं दिन पर दिन और आज गावा साहब ने तेजी में जो चोट मारी है वहां पर आप ऑलरेडी 740 से 763 तक का मूव देख चुके हैं। तो उम्मीद कीजिए कि आपको एक या दो दिन और अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखेगा। स्विंग ट्रेड के रूप में यहां पर बढ़िया चाल आती हुई दिख रही है। मयूरेश जोशी साहब को जोड़ेंगे, आप हमारे रिसर्च गुरु हैं और बारीकी से बाजार को परखते हैं। मयूरेश जी क्या बुरा समय निफ्टी और बैंक निफ्टी का समाप्त हुआ? इस लेवल पर आपको कुछ फंडामेंटल स्ट्रेंथ बाजार में नजर आती हो तो उस पर चर्चा कीजिए और एक बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड शेयर कीजिए। आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून धीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन पैनल। तो दो चीजें शैल जी, आई थिंक जो न्यूज फ्लो है वो इतना फ्लूइड है कि सुबह आई थिंक 11:30 के बीच में आई थिंक जो एक न्यूज फ्लो आया था उसके वजह से मार्केट अचानक ऊपरी स्तर से आई थिंक गिर चुका है। तो आई थिंक न्यूज फ्लो विल बी वेरी वेरी फ्लूइड अगले 1 से 2 हफ्तों के लिए और मार्केट शायद ऐसी ही बिहेव करता रहे न्यूज फ्लो को लेकर। हालांकि आई थिंक फ्रॉम एन ओनील पर्सपेक्टिव आई थिंक कल का जो हमने लो बनाया था शैल जी 16,782 टू बी प्रिसाइज, हमारी मेथोडोलॉजी ये कहती है कि अगर ये 3 दिन तक लो मेंटेन रहा तो शायद मार्केट एक रैली अटेम्प्ट में निकल जाएगा
और उसके एक से दो हफ्ते में अगर एक फॉलो थ्रू डे मिला, विच मीन्स दैट इफ द इंडेक्स मूव्स 1.5% विद गुड वॉल्यूम्स, तब हम कंफर्टेबली मान के चल सकते हैं कि जो ये लो बनाया था ये शायद बॉटम हो सकता है मार्केट के लिए, एटलीस्ट इन दैट टाइम पीरियडिसिटी। तब तक मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ टेकिंग स्ट्रक्चरली फंडामेंटल पोजिशंस और इवन टेकिंग पोजिशंस फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हालांकि आई थिंक तकनीकी तौर पर फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमारे ट्रेडर्स में टीम को सेंसर अभी भी लगता है आई थिंक जो डिफेंसिव्स हैं स्पेसिफिकली फार्मा, आई थिंक इस पे बिल्कुल फोकस किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मार्केट के उथल पुथल में शायद फार्मा एक सपोर्टिव मैकेनिज्म बने। द स्टॉक दैट आरआरटी ने सजेस्टेड इज दुश्मन कार्गोजन एम्सिस, डीकैल के नाम से इस स्टॉक को जाना जाता है। दो तीन आई थिंक की रीजंस जो मैं देखता हूं आई थिंक स्टॉक के फेवर में आनी चाहिए। एक आई थिंक इनकी जो स्विट्जरलैंड की क्रैम्स की फैसिलिटी और नेदरलैंड्स की आई थिंक इनका यूरो ऑपरेशंस है, क्रैम्स और विटामिन डी की फ्रेंचाइजीज, लेकिन यहाँ पे 16 लेट फेज 3 कैंडिडेट्स हैं और 6 एनसीज है जो आई थिंक मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट्स होती है, और मार्केट शायद इनको अंडर वैल्यू कर रहा है क्योंकि इंडिया बिजनेस पे ज्यादा मार्केट फोकस कर रहा है। इंडिया बिजनेस कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मैनेजमेंट के कॉन कॉल में वो बहुत क्लियर थे कि ये वित्त वर्ष इन द नेक्स्ट 2 quarters यू शुड सी नॉर्मलाइजेशन और अगले वर्ष आई थिंक यू शुड सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इंडियन ऑपरेशंस में। तो आई थिंक कुल मिलकर अगर आप देखेंगे जो इनके जो यूरोपियन कारोबार है, जो इंडियन बिजनेस है, और एक जो 15 million Swiss francs की जो एक जेवी मिली है जापानीज मेजर के साथ टू मेक अ हाई पोटेंशियल एपीआई ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इनपे जो केपेक्स बना रहे हैं अपने यूरोपियन ऑपरेशन में $100 million का, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाएगा अगले कई तिमाहियों तक का। डेट की चिंता जो बाजार को है, नेट डेट टू इक्विटी शुड नॉट एक्सीड 1.75-2 times इवन विद द एडिशनल डेट ऑफ द केपेक्स दैट दे विल टेक फॉर दिस ऑपरेशंस, और इसलिए बिट्टा मार्जिन 17 से 20% रहने की पूरी चेष्टा है और आरओई में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो काफी कुछ फैक्टर्स हैं, हमारी टीम को लगता है 270 एक ट्रेडिंग लक्ष्य हो सकता है विद अ स्टॉप लॉस एट 224। एक क्लियर डिस्क्लेमर, मेरी होल्डिंग नहीं है बट क्लाइंट्स के पास हो सकता है। तो आपके सामने दुश्मन कार्गोजन पर चर्चा करते हुए हमारे रिसर्च गुरु, और कमाल की बात यह है कि इस तरीके की अंडर वैल्यूएशन आपको बाजार में दिखेगी खासकर फार्मा स्पेस में। बुक वैल्यू दुश्मन की है 296 और आपके सामने 240 पर यह काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 3764 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डेट फ्री कंपनी है, और आपके सामने एक आध और मैं आपको खूबियां बता दूं यहां पर। इस काउंटर में पिछले समझिए कि 12 महीने में 296 करोड़ रुपए की यहां पर सेल होती हुई दिख रही है, और जो मुनाफा है वो कुछ समय बाद यहां पर रिपोर्ट होगा। तो दुश्मन फार्मा आपको आता हुआ दिख रहा है, दुश्मन कार्गोजन आपको आता हुआ दिख रहा है। आज का फंडामेंटल पिक हमारे रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब की तरफ से। डायरेक्टर साहब वापिस ले आइए बर्जर पेंट्स स्क्रीन पर। गाबा साहब ने बहुत ही बखूबी इस ट्रेड को पकड़ा और दिन का उच्चतम लेवल 770 रुपए आप स्क्रीन पर फिलहाल देख सकते हैं। यहां पर ये जब कॉल जेनरेट की गई थी तो 764.63 प्राइस था। चलिए ये फिलहाल चर्चा हमारे टॉप कॉल्स की हुई। वीरेन जी जी हाँ, बर्जर पेंट्स अच्छा करता हुआ स्क्रीन पर आप देखें। इस वक्त और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, इसमें आईसीआईसी प्रू शामिल है, 603.60 का स्तर यहां पर। और याद रखिएगा इस स्टॉक में इस सीरीज के यानी जो इनफैक्ट मंथ के अगर आप देखें 15 नवंबर से जो अनवाइंडिंग जारी थी, ये इस स्टॉक अपने इस दौर के हाईएस्ट ट्रैक्टरी के पास से अगर आप देखें लुढ़कना शुरू हुआ था 9 सितंबर से, फिर सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग शुरू हुई 15 नवंबर से। पहली बार इसने एक पुल बैक लिया है वो भी 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के जोन से। खैर इसमें स्ट्रेंथ बहुत नहीं है तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से जब हम ट्रेड के बारे में बात कर ही रहे हैं तो कुछ अच्छे ट्रेड्स लेकर आते हैं। लेट्स बिंग मेट्रोपोलिस, राजेश पालवे जी। मेट्रोपोलिस देखिए इस स्थिति में तो मेट्रोपोलिस डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स हॉस्पिटल स्टॉक्स आपको फेवर कर ही रहे हैं, स्थिति इनके फेवर में है। मेट्रोपोलिस के चार्ट में एक खासियत यह है, खासियत यह है कि जो ये राइजिंग चैनल है 11 जून से लेके अब तक, 11 जून 2021 से लेके अब तक जो स्थितियां बनी है उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है? मेरे स्क्रीन पे भाव है इस वक्त 3290 रुपए का, यह है दिसंबर फ्यूचर्स 3290 पे। क्या ये जो एक राइजिंग चैनल है अगर ब्रेक हो गई ऊपर की तरफ तो 250-300 पॉइंट का किसी जो कि चैनल है लगभग समझ लीजिए ये चैनल है लगभग 1000 रुपए की, 250-300 पॉइंट तो मैं बहुत कम कह रहा हूं,
क्या आपको मिल सकते हैं, क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग कॉल की अप्रोच रखनी चाहिए आपको? ये मैं सिर्फ क्लोजिंग का नहीं, ये मैं एक दो दिन के प्रोस्पेक्टिव से ट्रेड की बात कर रहा हूँ। सो धीरे जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर में जिस तरीके से वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ बना हुआ है स्टॉक में, हमें लगता है बिल्कुल आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक अच्छा यहाँ से और भी अपने कंटिन्यू करते हुए दिखेगा, तो बाय का ट्रेड तो बिल्कुल बनता है स्टॉक में। यहाँ से करंट लेवल से अगर हम फ्यूचर्स के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे बाय करना चाहिए, करीब स्टॉप लॉस जो रखना होगा 3270 के आसपास का स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड के टारगेट 3360 से लेके 3380, ये इमीडिएट टारगेट हमें लगता है बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसका पोजिशनल सेटअप देखें तो पोजिशनल सेटअप के हिसाब से तो हमें लगता है ये स्टॉक में 3500-3600 तक की भी अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, तो बिल्कुल पोजिशनल बाय ऑन डिप्स इसको रखें स्टॉक को, और ट्रेडिंग के हिसाब से टारगेट हमें लगता है 3370 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। जी हाँ, चलिए तो आपकी अगर आप देखें मेट्रोपोलिस पर आई है, एक बार डॉक्टर साहब मेरा प्लीज कुछ देर के लिए, जैसे कि हमने कल एक क्वेश्चन बाय किया था निफ्टी की वीकली डॉट पुट लेके आइए, जरा प्लीज स्क्रीन पर 17,000 की पुट लेके आइएगा, क्या कर रही है जनाब? ये आप समझ लीजिएगा कि इस वक्त ट्रेड कर रही है 80 रुपए के आसपास। अभी कुछ देर पहले मैं 72 पे आई थिंक इसको बोलने वाला था लेकिन बोला नहीं, लेकिन 80 रुपए के आसपास ये 17,000 की पुट नहीं 75 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसको कुछ देर के लिए स्पेशली 230-330 या फिर 345 फैक्टर को प्ले करने के लिए 81 रुपए हो गए स्क्रीन पर, इसको कुछ देर के लिए रखिए स्क्रीन पर। याद रखिएगा ये सबसे डिफिकल्ट समय है, जब आपने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया हो, कोलैप्स कर दिया हो और सेकेंड पुलबैक में आप नहीं पार कर पाए अगेन 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इस पुट पे थोड़ा देर के लिए कमिटेड रहिए, हमें एक क्रिटिकल सेशन को निकालना है। 75 रुपए पे स्क्रीन पे वो गई थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स जो कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली के दौर में जा रहे हैं, लेट्स सी हिंडाल्को। हिंडाल्को क्या कर रहा है उसको समझ लीजिएगा, हिंडाल्को क्या कर रहा है इस वक्त, हिंडाल्को 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को पार करने की या फिर किस करने की कोशिश कर रहा है। सेल के साथ यही केस है, सेल ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है 200 डे मा के नीचे। रचना जी आपकी राय क्या होगी हिंडाल्को पे इस वक्त, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? दोनों ही स्टॉक्स मेटल्स में सेल और साथ ही साथ हिंडाल्को डील ओपर है, एंड आपके पास एक डिफरेंशियल है प्ले करने के लिए डाउन साइड ऑन हिंडाल्को, आपकी राय इस स्टॉक पे? जी हिंडाल्को को शॉर्ट करना थोड़ा चांस रिस्की हो सकता है क्योंकि वो बहुत क्लोज है 200 डे के, और यहाँ पे 405 के करीब 200 एग्जैक्टली पड़ती है, तो इतना छोटा वो है तो ज्यादातर हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो सपोर्ट होल्ड कर जाता है और मार्केट में जिस टाइप का पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है उस टाइप का अगर वो सपोर्ट होल्ड करे तो हम ज्यादा लॉन्ग साइड पे देखे, एक बार ये 400 के नीचे जाएगा अगर आने वाले दिनों में तो फिर हम उसको एक नया ब्रेकडाउन कंसिडर करेंगे, बट टिल देन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग कॉल वुड बी बेटर। एंड जहां तक सेल की बात है तो सेल इज लुकिंग वीकर, और उसमें अगर आप शॉर्ट साइड पे प्ले करना चाहते हैं तो 104 पे ऐसे लगा के डाउन साइड पे प्ले कर सकते हैं 98-97 के टारगेट के लिए। जी हाँ, तो सेल पे आपका व्यू देखिए नरमी का, इस बीच मेरे स्क्रीन पर आप देखें तो कुछ मेटल स्टॉक्स में अनवाइंडिंग बढ़ती हुई। याद रखिएगा हिंडाल्को एट डेलो, जेएसडब्ल्यू स्टील एट डेलो, सेल एट डेलो, टाटा स्टील एट डेलो। तो इस वक्त अगर आप देखें कमोडिटीज में और मेटल्स में अगर आप देखें, चाहे वो दोनों ही ग्रुप के हों, फेरस नॉन फेरस, इस वक्त थोड़ी सी अगर आप देखें कमजोरी जो है वो स्क्रीन पर विजिबल है। राजेश पालवे जी आपका कोई थॉट मेटल्स में, कोई ट्रेड, कोई पुट ऑप्शन? तो बने हुए डाउन ट्रेड हमने देखा पिछले कई दिनों से, एक सप्लाई प्रेशर जरूर बना हुआ है पूरे मेटल पैक में, तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को देखा जा सकता है शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे पुट के थ्रू हम इसको यहाँ पे एडवाइस करेंगे 610 का पुट जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 23 रुपए के आसपास, इसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील के जिस तरीके से स्ट्रक्चर वीक हुए और अब इसने अपने एक वीकली सेटअप के हिसाब से भी सपोर्ट एरिया को तोड़ के अब उसके नीचे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, तो हमें लग रहा है 630 के नीचे रहेगा तो ये स्टॉक में 600 तक की डाउन साइड यहाँ पे इमीडिएट देखने को मिल सकती है। तो ये पुट जो हम सजेस्ट करेंगे 610 का 23 रुपए के आसपास, इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे करीब 30 रुपए तक की अपसाइड आ सकती है इस पुट में, करंट लेवल से 19 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इस ट्रेंड को इनिशिएट किया जा सकता है पुट का। बिकवाली आप देख रहे हैं काफी काउंटर्स में, लेकिन दो सेक्टर्स जहां पर आपको अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है
उनमें से एक है पावर और दूसरा है आपके सामने एफएमसीजी। यहां पर जोड़ते हैं रचना जी को। रचना जी, टोरेंट पावर में आप एक बढ़िया मूव देख रहे हैं। हमारे यहाँ 5 के 5 स्टॉक्स जो है एफएनओ में वो हरे निशान में है और टोरेंट में सबसे ज्यादा आपको तेजी दिखेगी। 2.25% की ओपन इंटरेस्ट यहां पर 5% बढ़ रहा है। हर टेक्निकल पैरामीटर पर यहां पर तेजी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। कोई रणनीति आप टोरेंट पावर पर सेट करना चाहेंगी? 3 दिन पहले यहां पर ऑल टाइम हाई लगा था 560.75 का। ये काउंटर डेफिनेटली पॉजिटिव है। अभी अभी मैंने इसको इनफैक्ट नोट किया आने वाले दिनों में ध्यान रखने के लिए। और यहाँ पे 567 और 570 के करीब का जो जोन है वहां तक का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। तो 540 जब तक होल्ड करेगा डाउन साइड पे 4042, तब तक ऊपर वाली साइड पे ऑल चांसेस के ये 567-570 की तरफ दोबारा जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। इट इज लुकिंग गुड ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। हर तरीके का अगर आप दायरा देखें चार्ट्स का, वहां पर खरा उतरता हुआ टोरेंट पावर। और ध्यान दीजिए, यहां पर बिकवाली थी पिछले 3 दिन, तो ये काउंटर में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई और आज पूरा का पूरा पावर स्पेस, चाहे आप एफएनओ में देखें चाहे कैश में देखें, वहां पर आपको हरा निशान है। सबसे बढ़िया मूवमेंट टोरेंट पावर में होता हुआ। 560 का उच्चतम लेवल देख रहे हैं 3 दिन पहले और अब वॉल्यूम आपके सामने है। फिलहाल 7,89,000 शेयर, 5 दिन की एवरेज से कम, लेकिन बाजार बंद होने में अभी घंटे भर से ज्यादा। देखते हैं क्या रंगत आपको टोरेंट पावर में आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, कुछ टिप्पणी आप टोरेंट पावर पर करेंगे? शेख जी, अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ही बहुत स्ट्रांग है और पावर स्पेस में आप देखें, अगर आप दूसरे स्ट्रक्चर को भी देखें लाइक टाटा पावर, वो कोलैप्स नहीं हुए थे, हल्का सा अगर आप देखें तो नीचे गए 20 DMA के, और वहां से अगर आप देखें अपने स्ट्रेंथ को रिगेन कर लिया। टोरेंट पावर में अच्छी बात यह है, एक तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है, ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है। और दूसरी बात, अगर मैं इसके चार्ट्स को देखूं शैल जी, ये जो स्पेशली 24 नवंबर से लेकर अब तक के रेंज के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 सेशन है, लोअर शेडो काफी वाइल्ड है लास्ट सेशन की, यानी कल के सेशन की, क्योंकि इंडिकेट करती है कि 20 DMA के नीचे भी सेटलिंग को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से शायद जी अभी हायर शेडोज में ट्रेवल करता हुआ पिछले 5 सेशन की। ये 553 के ऊपर अगर आप देखें इसकी क्लोजिंग आती है, तो ये एक इस दौर का बड़ा अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो वाकई बेहतरीन चार्ट और डे हाई पर, और ये अगर क्लोज होता है 553 पे तो ये इसकी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होगी टोरेंट पावर की। कोई कॉल ऑप्शन ग्रिप करना चाहेंगे आप इस वक्त राजेश पालवी जी, टोरेंट पावर की ऑप्शंस में? देखिए, सेटअप तो काफी अट्रैक्टिव है और जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है ट्रेंड की, आज भी देखें तो काफी अच्छा मूव बना है। 560 की कॉल ऑप्शन को देखा जा सकता है जो कि करीब ट्रेड करीब 17 रुपए के आसपास, ये ऑप्शन में बाय किया जा सकता है। और जिस तरीके से सेटअप है, हमें लगता है जैसे 554-55 का रेंज क्रॉस करेगा तो स्टॉक में 570 तक की अपसाइड खुलेगी, तो ये कॉल ऑप्शन में एक अच्छा मूव बन सकता है। तो 17 रुपए में बाय करें 560 की कॉल ऑप्शन, स्टॉप लॉस रखे करीब 15 रुपए का और टारगेट जहां से ट्रेडिंग के हिसाब से होना चाहिए करीब 22 रुपए तक के। पावर आपकी स्क्रीन पे 560 के कॉल ऑप्शन पे व्यू। शैल जी, एचसेल टेक्नोलॉजीज आपकी स्क्रीन पे बेहद शानदार तरीके से मूव करता हुआ, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, इट्स डूइंग वेल। तो आईटी स्पेस पर आप देखें काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इस वक्त। इन्फोसिस एट डे हाई, एचसेल टेक्नोलॉजीज एट डे हाई इस वक्त। रचना जी, जरा एचसेल टेक्नोलॉजीज में कोई ऑप्शन अगर आपने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर की हो, या फिर वो ट्रेड, वो व्यू जो आपका इसका डेरिवेटिव्स में कोई ट्रेड हो एचसेल टेक्नोलॉजीज एट डे हाई, और मेरे ख्याल से अभी जा रहा है अपने 50 DMA की तरफ जो कि अलाइंट है करीब करीब 1175 के जोन में। रचना जी, आपका टेक क्या होगा एचसेल टेक्नोलॉजीज पर? चाहते हैं तो आप 1160 का देख सकते हैं जो करीब करीब 29 पे है फिलहाल, और उसमें आप अगर 22 के आसपास एसएल सस्टेन कर पाए तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर हमें 40 एंड 50 की तरफ जाता हुआ विद इन 2 डेज नजर आ सकता है। और ये चार्ट इसका इस तरीके का बना हुआ है फीचर्स वगैरह पे कि इसीलिए इस पे फॉलो थ्रू की प्रोबेबिलिटीज है। जी हाँ, 1100 अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60 की कॉल पे आपका व्यू लॉन्ग है, 2970 पे कॉल ऑप्शन ट्रेड करते हैं। याद रखिएगा 3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, आप देखें 18% ओआई बढ़ा है, तो यहाँ पर इसकी कॉल ऑप्शंस में काफी स्ट्रांग एक्टिविटी है। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए जो कि अंतिम दौर में अच्छा कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरी स्क्रीन पे एक चीज विजिबल है कि मेटल्स प्रॉफिट बुकिंग के ग्रिप में है, लेकिन
पादर तोड़ खरीदारी जो है वो डिफेंसेस में आ रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज का जिक्र हुआ, इंफोसिस का जिक्र हुआ, मैरिको अपनी पिछले पांच दिन के बेस से आकर एक पुलबैक देता हुआ 543 के जोन में डी हाई की डायरेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। आपका व्यू इस पे प्रकाश सर, मैरिको पर कोई व्यू है आपका यहाँ पर, कोई ट्रेड देंगे आप मैरिको में या फिर जस्ट एक चार्ट चेक दीजिएगा अगर आपके पास कोई ट्रेड का कोई व्यू ना हो यहाँ पर तो भी? ऐसी कोई बात है नहीं, जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ पर बॉटमिंग और प्रोसेस शुरू हुआ है, एग्रेसिव ट्रेड हुआ बस, लेकिन बायस ऑन द अपसाइड पक्का है। एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी और वो होगा करीब करीब, मैं बता देता हूं आपको, समवेयर क्लोजर टू 535-537 अपने मिलेगा 550 तक, 550 तक ट्रेड दिखता है, 537 का स्टॉप रहिएगा, चांसेस ज्यादा ऊपर के स्टॉप के ज्यादा चांसेस नहीं है मेरे को। चलिए यहां पर आप मैरिको के अलावा दो तीन और एफएमसीजी काउंटर्स हैं, बल्कि काफी एफएमसीजी काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया तेजी दिख रही है। बोजर की बात यहां पर कुछ समय पहले गावा साहब ने करी, टाइटन पर आपको एक लॉन्ग कॉल आशीष चतुर्मोहता साहब की तरफ से सुबह आता हुआ दिखा था, लेकिन अभी कोलगेट आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मैरिको के अलावा आप ठीक ठाक मूव बाटा इंडिया, टाटा कंज्यूमर और ऑफ कोर्स गोदरेज कंज्यूमर में भी आते हुए दिख रहे हैं। यहां पर ये सारे स्टॉक्स डिस्कस हो चुके हैं, तो सेक्टोरल मूव आपको दिख रहा है आईटी में, एफएमसीजी में और खासकर पावर स्पेस में, ये सब डिफेंसिव काउंटर्स हैं। बाजार को और निफ्टी को फिलहाल यहां पर मदद मिलती हुई इन काउंटर्स पर, और फार्मा भी आज आपको गहरे हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, इस बीच चल जी आपने ट्रेन पावर का जिक्र किया था और आप देख लीजिए कि पावर स्पेस में बाइंग हो रही है। हालांकि टोरेंट पावर का जो चार्ट था वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था, उसमें इसे कहते हैं ना एक्सीलेंट कोर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, ऑल टाइम हाई की डायरेक्टिव वो हो रहा है। एनटीपीसी में एक पुल बैक है लेकिन शायद ट्रेड करने लायक पुल बैक नहीं है, इट्स डेड कैट बाउंस, याद रखिएगा 100 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट से पुल बैक देता हुआ आपकी स्क्रीन पर। सीमेंट स्पेस की बात हो रही थी, श्री दिग्विजय सीमेंट को देखिए, ये स्टॉक जो है वो डे हाई की डायरेक्टिव मार्केट ट्रेड करता है, छोटे स्टॉक से कैटेगरी है, 7645 पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी 17132 पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी फ्यूचर्स का जो प्रीमियम है वो है मात्र, अब आप समझ लीजिएगा कि 8 और ये 5 लगभग 13 पॉइंट्स का प्रीमियम है, यानी कल जो हम करीब 41 पॉइंट का प्रीमियम कैरी करके ले गए थे एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में, वो सुबह सुबह अगर आप देखें पुलबैक के बाद सारा का सारा खत्म हो गया। आपकी स्क्रीन पे 17132 पे निफ्टी विद ओनली आई मीन करीब करीब 13 पॉइंट्स का प्रीमियम कमांड करता हुआ। असित ब्रह्मपति हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। असित नमस्कार, बताइए अब इस वक्त आपका 2 बजे का, खैर आज आप थोड़ा देर से विलंब से जुड़े हैं लेकिन 2:32 पे सही 2 बजे की रीत निभा दीजिए, बताइए ट्रेड क्या है आपका? गुड आफ्टरनून वीरन जी, मैं टाटा स्टील में शॉर्ट जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1105 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 1070 काइंड ऑफ लेवल। इमीडिएटली नहीं शॉर्ट करके थोड़ा अगर बाउंस में आता है तो इसको शॉर्ट कर सकता है। मुझे लगता है कि टाटा स्टील में स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव बन रहा है एंड स्टील सेक्टर में भी थोड़ा सेलर देखने को मिल रहा है, सो टाटा स्टील वुड बी शॉर्ट फॉर मी फॉर टुडे। स्टील आपके लिए शॉर्ट ट्रेड होगा 1090 के स्तर पे। असित कोई पुट ऑप्शन का थॉट है क्या यहाँ पर अगर मुझे एक दो दिन रखनी? वीरेन जी मैं 1080 का पुट देख रहा था, 1080 का पुट इज अराउंड 47, अगर इसको हम 44-45 के लेवल में, हाँ मैं असित मैं एक चीज कहना चाह रहा था, टाटा स्टील के संदर्भ में आपका जो शॉर्ट का व्यू है मैं वो स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर रहा था, याद रखिएगा 21 अक्टूबर 2020 के बाद ये थर्ड डे है जब टाटा स्टील 200 EMA के नीचे ट्रेवल कर रहा है, तो ये ट्रेड इनके फेवर में जाए इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अच्छा बताइए, अब बताइए आपने कौन से पुट ऑप्शन ली, क्योंकि हम अभी इस सीरीज के बहुत ही शुरुआती दौर में हैं, तो अगर पुट ग्रैब में आ गई और ग्रिप में आ गई तो पैसा बनाने का मौका मिलेगा, बताइए पुट पे थॉट आपका? 1060 का पुट हम देखेंगे, 1060 का पुट इज कमिंग अराउंड 39 रुपीस, अगर इस हमको 36-35 रेंज में हम ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 30, आई थिंक द इनिशियल फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 50 रुपीस। एक चीज इफ आई मे पुट इट फॉर टाटा स्टील, टाटा स्टील में इस महीने का सीरीज का जो
सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग जोन है, दैट इज अराउंड 1100 लेवल, और ये 1100 लेवल को ब्रिज कर रहा है। अगर टाटा स्टील आज 1100 के लेवल के नीचे क्लोज देता है, मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे पुट राइटर्स ट्रैप होंगे एंड कॉल राइटर्स को कोई इशू नहीं होगा, एंड अनवाइंडिंग हमें नहीं दिख रहा है कहीं पे भी कॉल राइटिंग में। सो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इज वे बिलो इज अराउंड 1000 रुपीज, तो आई एम नॉट सेइंग इट विल फॉल डाउन टू दैट लेवल, बट टाटा स्टील इज लुकिंग वीक। सो कोई फ्यूचर में लेना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1100 4-5 रुपए का बेनिफिट बियॉन्ड 1100, बट स्ट्रक्चर इज लुकिंग लाइक ना 20-30 रुपए का मैं फॉल दिखा सकता टाटा स्टील इन पोजिशनली। शॉर्ट कॉल आपको टिस्को पर आती हुई दिख रही है, और टिस्को में देखिए सुबह हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो ये काउंटर अपने 200 डीएमए के आसपास था, अब यहां पर ट्रेड जो है वो 200 डीएमए के नीचे है। देखते हैं कि क्लोज किस तरीके से होता है। फिलहाल 1087 और इमीडिएट टारगेट आपको फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा यहां पर 1070, लेकिन गिरावट आपको और बढ़ती हुई दिख सकती है। ध्यान दीजिए अगस्त के महीने में आपने जो उच्चतम लेवल देखा था वो था 1510 और काउंटर अब 1100 के नीचे, तो आप समझिए कि लगभग आप यहां पर 30-33% मार्केट कैपिटलाइजेशन उड़ते हुए देख रहे हैं। असित जी को वापस जोड़ते हैं। असित जी, कुछ व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर? जब बैंक 36,300 क्रॉस किया मुझे लगा कि हमें काफी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, 36,700 हमें देखने को भी मिला, बट इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। ऊपर के लेवल से 700 पॉइंट हम गवा चुके हैं, इट इज एक्चुअली क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट निफ्टी में भी हम बात करें तो 17,200-250 के लेवल के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, तो 200 के लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिला हमें, बट ये 17,136 के लेवल पे फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहे हैं। मुझे आई होपफुली कि ये 17,100 के लेवल पे भी अगर हमें क्लोज देगा थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा बुल्स के लिए, बट ऑनेस्टली पर्सनली आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि हमें शॉर्ट कवर भी दिखने को मिलेगा, लॉन्ग बिल्ट अप भी शायद दिखने को मिल सकता है, बट इट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड कैंडल फॉर टुडे। जिस हिसाब से अपर शेडो बना हुआ है बोथ इन द इंडेक्स, इट इज डेफिनेटली नेगेटिव। So, वही मतलब ट्रेड हमें देख के ही करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ नॉट डाउन में कितना बड़ा था क्या है। हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर इज डेफिनेटली लिटिल वीक एंड हमें सोच समझ के ट्रेड करना चाहिए। याद रखिए जरा प्लीज वो डॉक्टर साहब 17,000 की पुट लेके आइए अभी। इनफैक्ट हमने जो बातचीत की थी ना कि जब ये 2:22 का समय हो रहा है, इस पुट को रखिए अपने स्क्रीन पर, और सेकेंड पुल बैक में हम जो आप देख रहे हैं ना अभी तक 50 डेमा की डिटेक्टर को निकला, 75 की पुट अगर आप देखें 78 पे ट्रेड कर रही है। बात यहां पर यह है कि जरा प्लीज डायरेक्टर साहब डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा और सारे के सारे यूरोपियन मार्केट्स लेके आइएगा। यूरोपियन मार्केट्स में पेन है और डाउ फ्यूचर्स इस पर आप समझ लीजिएगा कि करीब करीब 500-550 पॉइंट के डाउनफॉल के साथ, अगर आप देखेंगे कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 582 अंक नीचे, 0.2% नीचे। मेरे को एक चीज जो यहां पर थोड़ा परेशान कर रही है वो ये है कि डाउ अगर वाकई आज 500 या 450 पॉइंट भी नीचे हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि पोस्ट नवंबर 2020 के बाद पहली बार डाउ 100 डेमा के नीचे इतने बड़े फ्रैक्शंस के साथ जाएगा। इससे पहले इसने एक अटेम्प्ट लिया था सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक में, लेकिन वहां से पुलबैक आ गया था माइनस आई थिंक हार्डली 200 पॉइंट फ्रॉम 200 डेमा, लेकिन इस बार वहां से एक सब्सटेंशियल डिप होगा। तो इस वक्त थोड़ा सा अगर आप देखें परेशानी का सबब इंडियन मार्केट्स के लिए, आज अच्छा हमने पुलबैक का दिन चुना था लेकिन डार फ्यूचर्स को देख के हम बैकफुट पे आ गए। मेथड्स में इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस बीच अगर आप देखें केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं, यहां पर अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई, और पॉजिटिव सैंपल्स की सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं, जोनिंग सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं। तो तभी तमाम अगर आप देखें जो और राज्यों को कोविड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, तो याद रखिएगा तमाम डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए अगर आप देखें महत्वपूर्ण खबर है यहाँ पे ये। तो कहीं ना कहीं पुरजोर तरीके से तैयारी करती हुई सरकार, केंद्र सरकार ने अगर आप देखें सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं संदर्भ में। तो थोड़ा सा अगर आप देखें जो ये हल्का सा अगर आप देखें न्यूज फ्लो जो है ना, ये डायग्नोस्टिक स्टॉक्स के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा मार्केट के लिए अगर आप देखें शेक करने वाला विषय है। शेख जी चलिए, तो फिलहाल ये जी हाँ, फिलहाल आपके सामने ये दोनों काउंटर्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थायरोकेयर और लाल पैथ लैब।
लाल पैथ लैब आपके सामने काफी डिस्कस हुआ पिछले हफ्ते और आज के शुरुआती सत्र में, लेकिन ठीक ठाक वो आपके सामने थायरो केयर पर भी आता हुआ दिख रहा है। असित जी से ही जुड़े रहेंगे, चर्चा अब बढ़ाते हैं आईटी शेयर्स की तरफ। असित जी, आज दो काउंटर्स ने बहुत मदद करी निफ्टी की और वो है टीसीएस और इंफोसिस। यहां पर ऊपरी सतह से काफी सेलिंग है जो हमने ऑल टाइम हाईस देखे हैं, लेकिन काउंटर्स आज मजबूत। कुछ टिप्पणियां आप पोजिशनली करना चाहेंगे फिलहाल इंफोसिस या टीसीएस पर? आईटी सेक्टर वाज लुकिंग गुड, बट अभी लास्ट हाफ एन आवर में देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स आर काइंड ऑफ हिटिंग द लो ऑफ द डे। मैं अभी लॉन्ग जाना नहीं चाहूंगा, मुझे लगता है कि मार्केट कैन बी चॉपी एंड वी कैन सी अ बिट ऑफ करेक्शन। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग लॉन्ग इन आईटी, आई वुड, अगर बैंक निफ्टी 37,000 के सॉरी आई मीन टू से 36,000 के नीचे अगर क्लोज देता है डिसिसिवली, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा करेक्शन रह सकता है, मतलब 35। आई गिव अ कॉल इन सम टाइम, जस्ट वेटिंग फॉर सम कंफर्मेशन, बट बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीक, सो मे बी वी कैन गो एंड टेक सम पुट्स रादर देन यू नो गोइंग लॉन्ग इन स्टॉक। So that is how I'll be looking at it. Sir, I had a call. If you allow me, I can. जी की basic राय ये है कि long trades में शायद आपको इतना मुनाफा ना मिले जितना short trades में आपको जल्दी से मिलेगा, और इसका सबसे अच्छा recovery और आपके सामने example है टाटा स्टील का। कुछ समय यहाँ पर जब 1089 पर ये cash में counter था, असित जी ने एक शॉर्ट कॉल दी थी, फिलहाल 1085 पर कैश में ये फ्यूचर्स चलते हुए दिख रहे हैं। तो पैसा अगर जल्दी बनेगा असित जी के अनुसार वो शॉर्ट ट्रेड्स में बनेगा ना कि लॉन्ग साइड पर। ये सही टिप्पणी फिलहाल स्क्रीन पर काम करती हुई। वीरेन जी, और कहां नजर है आपकी? मेटल्स में बिकवाली बढ़ती हुई और अब 613 प्राइस जेएसडब्ल्यू स्टील। जी हाँ, मेटल्स में शायद अगर आप देखिए स्क्रीन पे विजिबल थी पेन, और निफ्टी याद रखिएगा 17,100 के नीचे आ चुका है और इस वक्त डील ऊपर आके मतलब सेकंड हाफ के अगर आप देखें लोवेस्ट ट्रिप आके ट्रेड करता हुआ। टाइटो साहब प्लीज पुट लेके आइए स्क्रीन पर, 17,000 की पुट हमने ली थी करीब करीब 75 पर, अभी 90 पे ट्रेड कर रही है, 86 का प्राइस मेरे स्क्रीन पर है, इस पर फोकस कीजिएगा। याद रखिएगा डाउ फ्यूचर्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लॉन्ग के लिए कन्वर्शन जुटाना इसके अगेंस्ट आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। याद रखिएगा ऑल दो 17,000 के ऊपर ट्रेड करना ये डिफरेंट था, ऑल टुगेदर डिफरेंट था, ये सेटअप अच्छा था, लेकिन हमको ग्लोबल मार्केट साथ नहीं दे रहे हैं इस वक्त, और स्पेशली 200 डीमा के नीचे यूएस मार्केट का ये डाउ फ्यूचर्स का लेवल कतई भी साथ नहीं दे रहा है। असित के पास एक ट्रेड हो रहा है, असित बताइए क्या ट्रेड है आपके पास? वीरेन जी, मैं ये रियल एस्टेट सेक्टर देख रहा था, रियल एस्टेट सेक्टर में मुझे गोदरेज प्रॉपर्टी काफी वीक लग रहा है ये राइट नाउ। आई थिंक द फ्यूचर इज अराउंड 20-28 लेवल पे, अगर ये थोड़ा भी बाउंस आता है इसको 20-40 का स्टॉपलॉस रख के हम इसको टारगेट देख सकते हैं अराउंड 2000 के लेवल पे। इसका अगर हम मैं वही डेटा देख रहा था गोदरेज प्रॉपर्टीज का, एब्सोल्युटली नो काइंड ऑफ नो सपोर्ट एट एनी लेवल, थोड़ा बहुत जो भी है 2000 के लेवल पे है, तो मुझे लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज में करेक्शन देखने को मिल सकता है। पोजिशनली वी कैन कैरी द शॉर्ट एंड it should show us below sub 2000 level for sure. गोदरेज प्रॉपर्टीज देखे तो यहाँ पर आपको वीकनेस नजर आती हुई आपकी स्क्रीन पर आप देखें गोदरेज प्रॉपर्टीज डेल ऊपर ट्रेड करता हुआ। यस नाउ देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज ने क्या करा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज ये आज से अगर आप देखें 4-5 रोज पहले हम मनोज जी के साथ भी डिस्कस कर रहे थे और जो असित ने फैक्ट शेयर किया ना वही उस वक्त डिस्कशन का पॉइंट था कि जनाब दिन था 21 सितंबर। प्लीज जरा एक बार आप चार्ट लेके आएंगे, चार महीने का चार्ट, पांच महीने का चार्ट, 21 सितंबर को 1651 पे इस स्टॉक पे ब्रेकआउट आया था। मैं आपको असित की ही जो ट्रेड की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं क्यों ये एक बेहतरीन ट्रेड हो सकता है। 21 सितंबर को इसमें ब्रेकआउट आया था 1651 पे, 1651 से लेकर समझ लीजिएगा कि आप 2221 तक वन वे मात्र 3 कैंडल्स के सहारे ये चला गया था। तो जिस जोन में अभी एंटर कर रहा है उस जोन से ये भली बात ही अगर आप देखें परिचित नहीं है, वहां पे टाइम स्पेंड नहीं किया है, वहां के ट्रेडर्स अगर आप देखें थोड़ा सा अगर आप देखें कन्विंस नहीं होंगे अगर आप देखें अगर ये इस लेवल के नीचे आता है अपनी लॉन्ग्स को होल्ड करने के लिए। अब आइए आप डेल्टा कॉर्प पे, रचना जी जरा डेल्टा कॉर्प को देखिएगा। अब आप डेल्टा कॉर्प पे क्या करेंगे, कल की परसों की कैंडल काफी खराब थी लेकिन अब डेल्टा कॉर्प उस रेंज को भी तोड़ता हुआ 246, शॉर्टिंग का कोई थॉट आपका इस स्टॉक पे यहां पर इन लेवल्स पे?
वीकनेस है और उसके साथ में मार्केट में भी वीकनेस दोबारा से वापस आ रही है, उन दोनों चीजों को साथ में देखते हुए अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। इसका एक लेवल है 245 जिसके बहुत ही नजदीक है वो, जैसे ही 245 को तोड़ेगा तो 245-44 के नीचे जब जाएगा तो हम उसमें फ्रेश शॉर्ट बनाने जा सकते हैं। यहाँ पे 245 इन एनी केस अगर थोड़ा बहुत भी पुलबैक देता है तो हम वेट करेंगे 245 के टूटने पे शॉर्ट करके हम 240 एंड 235 के टारगेट्स लगा सकते हैं। चलिए तो आपके स्क्रीन पे डेल्टा को डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ और अगर आप देखें सेल डेलो पर आके ट्रेड कर रहा है तो मेटल्स में जिंदर सिंह जेएसपीएल डेलो पर रहा है। तो बीते अगर आप देखें आधे घंटे में ग्लोबल मार्केट्स का डाउ फ्यूचर्स का प्रेशर भारतीय बाजारों पे खासा पड़ता हुआ है। एक ब्रेक का वक्त है, कमाई का अड्डा में एक छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। आप देख रहे कमाई का अड्डा, निफ्टी 17103 के स्तर पे, निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर देखने ट्रेड करता हुआ लगभग 35950 के नीचे और समझ लीजिएगा कि 17120 निफ्टी फ्यूचर्स का प्रीमियम लगभग 18 पॉइंट्स का है। लेकिन कल तारीख है, एक जमाना खुश होगा और जमाना मशरूफ होगा इस बात पर ध्यान देने में कि जनाब ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े कैसे रहे। इन ऑटो की बिक्रियों के आंकड़ों को थोड़ा सा समझा कर बाइसेक्ट करके बांट के किन के अच्छे नंबर्स रहेंगे कहां तक आप देखें, उम्मीदें बिल्कुल अच्छी नहीं है। आइए पेश करते हैं आंकड़ों को, यदि हमारे साथ बनी था यदि बताइए। देखिए सबसे पहले ऑटो सेल्स की बिग पिक्चर समझ लेते हैं क्योंकि काफी सारे सेगमेंट्स हैं जहां आपको वीकनेस दिखेगी, काफी सारे सेगमेंट्स हैं जहां आपको मजबूती दिखेगी, लेकिन एक स्टैंड आउट नंबर जो हम वॉच करेंगे वो रहेगा टाटा मोटर्स का और अशोक लेलैंड का, क्योंकि जहां तक की ट्रक्स का सवाल है काफी अच्छी बिक्री के अनुमान आपको नवंबर के महीने में होते हुए दिखाई देंगे। स्पेसिफिकली अगर अशोक लेलैंड की बात करें तो लगभग आपको 10,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री यहां नवंबर के महीने में दिखाई देगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि अपसाइड आपको ज्यादा होती भी दिखाई देगी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। और टाटा मोटर्स के भी आप आंकड़ों पे लगभग 28-30% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट टाटा मोटर्स के लिए अच्छा कर सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली फोर व्हीलर्स की बात करें तो 10 लाख के ऊपर की जो गाड़ियां हैं यहां आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से प्रोडक्शन नवंबर के महीने में नहीं हो पाया है, हालांकि सिचुएशन ईज हो रही है। फिर भी अगर आप मारुति की बात करें तो लगभग 6% सेल्स साल दर साल वीक होने की जो है गुंजाइश है और लगभग 1,45,000 यूनिट्स के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मारुति की नवंबर सेल्स। एमएनएम ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो सेल्स फ्लैट एक्सपेक्टेड है। ट्रैक्टर सेगमेंट में दोनों ही महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स, ये दोनों के जो आंकड़े हैं लगभग 20-25% लोअर दिखाई देंगे साल दर साल, बिकॉज दिवाली के महीने के बाद आप देखेंगे और ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ी बहुत वीकनेस आती है। टू व्हीलर सेगमेंट और यहां सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, अनुमान से पहले जो अनुमान था कि फेस्टिव सीजन बढ़िया होगी टू व्हीलर्स के लिए, मैरिज सीजन भी शुरू हो गई है तो शादियों के सीजन में आप देखेंगे टू व्हीलर में पिकअप दिखता है, वो पिकअप नहीं देखने मिला है। इनफैक्ट अगर आप डीलरशिप्स की बात करें तो 4-6 हफ्ते की इन्वेंट्री बिल्डअप आपको देखने को मिल रही है रिटेल लेवल पे, और इसी वजह से अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री की बात करें तो 33% यहां आपको डिप दिखाई देगा। ये महीने का टॉप लूजर है हीरो मोटोकॉर्प और स्टॉक 52 वीक लो पे है, शायद इसी कारण से यहां प्रेशर बना हुआ है। बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स की बात करें रॉयल एनफील्ड की तो यहां 10-20% की गिरावट आप देखेंगे, और टीवीएस मोटर्स की बात करें क्योंकि कंपनी के एक्सपोर्ट मार्केट बेहतरीन कर रहे हैं यहां आप 3 लाख जो यूनिट्स है उसकी बिक्री का अनुमान मद्देनजर रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए ये तो आप सूरत हाल देख ही रहे हैं ऑटो स्पेस में और यहां पर काफी बिकवाली हम लोगों ने पिछले महीने नवंबर में खासकर ऑटो स्टॉक्स हीरो मोटर्स पर और आती हुई देखी बजाज ऑटो पर। जोड़ते हैं यहां पर राजेश पालविया साहब को। राजेश जी ऑटोमोबाइल स्पेस में इस महीने सबसे टॉप लूजर है अशोक लेलैंड, लगभग 10% नीचे, कोई रणनीति यहां पर आपको चार्ट्स पर दिखती हो और आपके हिसाब से सबसे मजबूत ऑटो स्टॉक कौन सा है?
तो शेर जी देखिए बिल्कुल अशोक लीलैंड में काफी बड़ा कट देखने को मिला है और अगर हम इस मंथ का ही अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 14% का करेक्शन ये स्टॉक में होते हुए दिखा है। हालांकि स्टॉक में जो करेक्शन हुआ ये अब अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि इसका 115 हमें लगता है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है वहां तक ये इसमें दबाव बन सकता है स्टॉक में। तो ये स्टॉक में अगर अब यहाँ से शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी तो जा चुकी है, अब यहाँ पे अगर ये 115 के आसपास अपने आप को रोक पाता है तो वहां पे एक पुल बैक के ट्रेड के लिए बाय किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे शॉर्ट के लिए उसको अवॉइड करें क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा इसमें फॉल ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अगर हम पूरे पैक में बात करें जो स्ट्रेंथ अभी भी कायम है जो स्टॉक में रिवर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जिस तरीके से करेक्शन के बाद स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है क्योंकि ये करीब 835-840 की जोन में, हमें लगता है ये लेवल को अगर ये स्टॉक होल्ड कर लेता है तो यहाँ से वापस इसमें एक अपसाइड का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है और स्टॉक में वापस 880-890 तक की अपसाइड यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो 835-835 के स्टॉप लॉस से M&M बाय करने की सलाह रहेगी। चलिए तो यहाँ पर तेजी की मोहर महिंद्रा एंड महिंद्रा पर लगाते हुए दिख रहे हैं। ट्रैक्टर सेल्स देखिए कोई आपको वहां पर इतना परेशानी नहीं आती हुई दिखेगी और साथ ही साथ आप एक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक भी देख लीजिए इसी स्पेस में, वो है एस्कॉर्ट्स। हालांकि एस्कॉर्ट्स की तेजी एक कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के चलते दिख रही है। इस महीने ऑटोमोबाइल स्पेस में FNO में सिर्फ एक ही गेनर है और वो है एस्कॉर्ट्स, 2% ऊपर 1860 आपके सामने स्क्रीन पर आज दिन का, और वैसे हाईएस्ट लेवल आपने देखा 1880। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी स्वागत है आपका, बताइए कोई ऐसा ट्रेड जो आपको खनकता हुआ दिखे तेजी या मंदी में बचे हुए 40 मिनट के लिए। देखिए मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर वीकनेस अगर कहाँ पे अगर बन रही है मार्केट में तो वो है मेटल स्पेस में, और मेटल स्पेस में अगर आप देखें तो हिंडाल्को में हमने एक शॉर्ट टर्म वीकनेस देखा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक लगातार 420-425 के रेंज में एक सेलिंग प्रेशर ले रहा है और इसी वजह से लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 400 या 395 के लेवल्स तक आ सकता है। तो करंट लेवल से इसे शॉर्ट किया जा सकता है 410-415 के करीब, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 420 रुपए का और टारगेट रखेंगे हम 400 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो FMCG काउंटर्स है वहां पे अच्छी तेजी बनी है और वहां पे डाटा कंज्यूमर पे ध्यान देना है क्योंकि ये स्टॉक काफी अच्छे तरीके से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के करीब आने के बाद ये रिकवर हो रहा है और काफी बड़ा है करेक्शन था इसमें। तो करंट लेवल से टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करके चले 785 के करीब, यहां पर हमें लगता है ये स्टॉक एक बार 820-825 के लेवल दिखा सकता है और 770 का हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। चलिए बिकवाली आपको मेटल क्षेत्र में टाटा स्टील में पकड़कर दी असित जी ने और एक सेल कॉल अब हिंडाल्को पर आती हुई दिख रही है आपको श्रीकांत चौहान साहब से। यहां पर अगर आप फिलहाल दोनों के प्राइसेस देखें दोनों स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के आसपास हैं। अभी ऊपर है हिंडाल्को 200 डीएमए से और टाटा स्टील ऑलरेडी उसके नीचे ट्रेड करता हुआ, दोनों फ्रंटलाइन काउंटर्स फेरस और नॉन फेरस स्पेस पे आपको बिकवाली में दौड़ते हुए दिखेंगे। फिलहाल ये स्थिति यहां पर, श्रीकांत चौहान जी आप इसे जोड़े रहेंगे। यहां पर परेशानी के दौर से आपको पूरा मेटल स्पेस दौड़ता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा स्टॉक FMCG में जो आप बाय की तरफ बैलेंस करना चाहते हो? देखिए वैसे FMCG स्टॉक्स काफी गिरे हुए हैं और मींस इतनी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं कि वहां से इनमें रिकवरी बिल्कुल बनती है और मार्केट का जैसे टोन है वहां पे हमें हमेशा लगता है कि जब मार्केट काफी एक कंफ्यूजन स्टेट में होता है जैसे अनसर्टेनिटी अगर उसमें काफी सारी रहेगी तो डिफेंसिव सेक्टर्स या डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग आती है। कल के दिन में हमने देखा था टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा बाइंग, आज के दिन हम देख रहे हैं FMCG में बाइंग और इसी वजह से हमें लगता है कि वैसे हिंदुस्तान लेवल भी काफी अट्रैक्टिव है लेकिन टाटा कंज्यूमर हमें लगता है कि काफी प्रॉपरली करेक्टेड स्टॉक है 785 के करीब, इसे बाय किया जा सकता है। 770 का स्टॉप लॉस रखें, 820-825 के टारगेट्स ये आने वाले एक या दो दिन में दिखा सकता है। टाटा कंज्यूमर याद रखिएगा FMCG स्पेस में स्ट्रॉन्ग स्टेबल और ये एक सबसे डिसेंट स्ट्रक्चर है विद इन द एंटायर FMCG स्पेस, 820-830 का लक्ष्य यहां पर है। लेकिन एक स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही बड़े अगर आप देखें ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ वो है मदरसन सुमी।
राजेश पाली जी, मेरा प्रश्न आपसे होगा, आप प्लीज इस ट्वीट पे कमेंट कीजिएगा, क्या ये मदरसन सुनी जो कि 6 अगस्त 2020 से लग के अब तक जिस ट्रेजेक्ट्री पे चल रहा था और 27 अक्टूबर 2020 के बाद ये इसका क्लोज होगा बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मीडिया, 211.50 पे आप देखें स्क्रीन पे भाव है, 210 का पुट ऑप्शन, अगले 10 सेशन के लिए 5 सेशन के लिए क्या रखना चाहिए प्लीज प्रीमियम स्क्रीन पे लेके आइएगा, 210 का पुट ऑप्शन, क्या ये रेंज ब्रीच हुई, 9.15 रुपए पर ट्रेड कर रही है तो आपको 195-210 का लेवल मिल सकता है, आपका टेक 9.15 रुपए पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ, 210 स्ट्राइक पुट ऑप्शन मदरसन सुमी। तो वीरेन जी बिल्कुल देखिए, स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है और स्टॉक में अपने डेली वीकली चार्ट पे सपोर्ट लेवल तोड़ के अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके से वीकनेस बनी है अब ये स्टॉक 220 के नीचे ट्रेड कर रहा है वो इसके लिए काफी नेगेटिव है। हमें लगता है कि इसके लिए जो इमीडिएट अब लेवल बन के आता है बड़ा लेवल जो सपोर्ट बोल सकते हैं जिसको वो अगस्त का लो जो था करीब वो बना था 199 के आसपास फ्यूचर में, वहां हमें लगता है कि अब स्टॉक वहां तक भी स्लाइड हो सकता है। तो 210 का पुट एट द मनी का बाय किया जा सकता है, 9.40-50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। फ्यूचर के स्टॉप लॉस की बात करें तो 220 का स्टॉप लॉस है, लेकिन हम इस ऑप्शन को जो पुट ऑप्शन को हम बाय करेंगे इसका जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब रखें आप करीब 6.5 रुपए के आसपास और इसको कैरी करें, हमें लगता है 10-12 रुपए का और डाउनसाइड यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, तो पुट ऑप्शन के टारगेट आना चाहिए करीब 16-18 रुपए तक के, तो 210 का पुट बाय किया जा सकता है पोजिशनल परस्पेक्टिव से भी। चलिए 210 के पुट पे आपका व्यू था, याद रखिएगा विकल्प मैंने चुना अगर आप देखें तो, क्योंकि ऑप्शंस के डेटा में बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग था मदरसन सुमी के। दारा स्टील डेरो मार्केट से आप देखें निफ्टी 17,067 पे ट्रेड करता हुआ, वो पुट ऑप्शन रखी डायरेक्टर साहब जो हमने ली थी कुछ देर पहले वो करीब करीब 90 रुपए पे ट्रेड करते हुए इस वक्त। चलते हैं यतिन के पास, जरा मार्केट्स की अगर आप देखें जो डीलर्स की फीलिंग है मार्केट्स को लेकर वो क्या है, क्या शॉर्ट कर रहे हैं इंडिसीज पे, क्या व्यू है उनका, क्या लॉन्ग कर रहे हैं, क्या लॉन्ग साइड पे प्रेफर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यतिन वर्थली तो काफी है, विक्स में काफी रहा देखिए सब्सटेंशियल हाइक है और ऐसे में ट्रेडर्स का बिलीफ क्या है, किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं और क्या शॉर्ट और क्या लॉन्ग कॉम्बिनेशन क्या है? देखिए डीलिंग रूम्स को मार्केट सेटअप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इंपैक्ट लग जरूर रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और ओवरऑल यूरोप में यू नो मंदी का माहौल है, थोड़ा बहुत पैनिक और प्रॉफिट टेकिंग हमको अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि हमने जरूरत से ज्यादा करेक्शन कर दिया है, शायद ओवर सोल्ड है यू नो मार्केट और निफ्टी एट दिस पॉइंट। तो दो स्टॉक्स जो स्पेसिफिकली वो खरीदारी के लिए देख रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना रहे हैं, उनमें सबसे पहले है मारुति। देखिए जहां तक की ऑटो सेल्स के आंकड़ों का सवाल है, ऑर्डर बुक अच्छी है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ईज हो रही है तो फंडामेंटल साइड से चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और अगर आप मारुति सुजुकी की बात करें तो 7250 से लेके 7300 के टारगेट्स के लिए यहां पोजिशनली डीलिंग रूम्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इस महीने अगर आप देखें तो निफ्टी का ऑटो इंडेक्स लगभग 4-5% करेक्ट हुआ है, जहां मारुति में एक बड़ा करेक्शन हुआ है, तो बाय ऑन डिप्स यहां कर सकते हैं ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। ओपन इंटरेस्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है एक्युमुलेशन के संकेत। दूसरा स्टॉक आरईसी फोकस में रहेगा और कुछ ही मिनटों में हम एमएससीए की रीबैलेंसिंग होते हुए दिखाई देंगे काफी सारे स्टॉक्स में। जोमैटो एक स्टॉक था जहां खरीदारी का आलम था एमएससीए का, और आरईसी एक स्टॉक है जो एक्सक्लूड हो रहा है एमएससीए इंडेक्स से, तो आपने देखा होगा कि काफी दिनों से स्टॉक करेक्ट कर रहा है, आज काफी मजबूती है क्योंकि डीलिंग रूम्स को मानना है कि एमएससीए के रिलेटेड जो सेलिंग है वो शायद आज खत्म हो जाएगी और इसीलिए यहां आपको खरीदारी करनी चाहिए 135 से लेकर 140 के टारगेट्स के साथ, और यहां डीलिंग रूम्स बीटीएसटी की भी सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो अगर बाजार ओवरसोल्ड है तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है, और हम लोग सुबह से ध्यान दीजिए एक लॉन्ग कॉल मारुति पर ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, एक चार्ट चेक यहां पर जरूरी है। पालवे साहब को जोड़ते हैं, राजेश जी मारुति को एनालाइज कीजिए, दिन के उच्चतम लेवल से आपने इसको फिसलते हुए दिखा है लेकिन अभी भी हरे निशान में, 7250 ये काउंटर आपको रिएक्ट करता हुआ दिखेगा नतीजों पर भी वॉल्यूम सेल्स के, लेकिन फिलहाल अपने 200 डीएमए के नीचे, चार्ट के लिए कैसा लगता है?
तो शाह जी देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वीक है, लेकिन अगर इसको हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक बड़ी टाइम फ्रेम पे देखें तो एक काफी बड़ी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हर बार स्टॉक 6800-6900 के पास से आके पुल बैक देता है। अभी ये जो पिछले दिनों में जो करेक्शन बना है स्टॉक का, वो ऑलमोस्ट इसको लोअर बैंड की तरफ लेके जा रहा है। तो 7100-7050 ये एक अच्छे सपोर्ट एरिया है स्टॉक के लिए। तो जो पोजिशनल बाय करना चाहते हैं स्टॉक को, उनके लिए अपॉर्चुनिटी डिप्स में यहाँ पे 7000 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है, तो ये बाय की अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो काफी समय से ये स्टॉक यहीं से बाउंस देता है। हमें लगता है जैसे स्टॉक में वापस हायर साइड पे 7400 का लेवल क्रॉस होगा तो स्टॉक में अप ट्रेंड यहाँ से वापस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो डिप्स में बाय करें, अगर लोअर साइड पे मिलता है तो इसको एड करें। 7000-7050 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे पोजिशनली बाय करने के लिए। जी बाजार फिसलता हुआ, निफ्टी अब लाल निशान में, 85 अंक नीचे 35890। ध्यान दीजिए, जो आपने आज का उच्चतम लेवल देखा था वो आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा, और वो लेवल आपके सामने था 36773 के आसपास। बिकवाली भारी होती हुई मेटल काउंटर्स पर, डायरेक्ट साहब टाटा स्टील लाइए स्क्रीन पर। ऑलरेडी हम लोग एक शॉर्ट कॉल यहां पर देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आपके सामने प्राइस जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है 1080 के नीचे। बिकवाली आपके सामने बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स पर भी आती हुई, और ये रीएडजस्टमेंट शायद जिसके जिक्र आपको करते हुए दिखे थे यतिन जी कुछ समय पहले, बचे हुए आधे घंटे में होता हुआ। खासकर बिकवाली भारी HDFC पर, 2660 का दिन का लोएस्ट लेवल। वीरेन जी जी, हाँ शैल जी, अगर आप देखें तो जो सुबह चीज विजिबल नहीं थी मार्केट्स में वो अब विजिबल है। जो आपने लास्ट स्टॉक का जिक्र किया HDFC, इसका मतलब ये है बिल्कुल क्लियर सिग्नल है कि लास्ट के एक घंटे में FIs की सेलिंग जो है वो पुरजोर तरीके से हावी हुई थी। पॉसिबिलिटी आप देखें सुबह मॉर्निंग में DIs की बाइंग काफी स्ट्रांग थी, शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन अब अगर आप देखें FIs की सेलिंग आती हुई, और हम आपको प्रिपेयर देखिए, हमने इस कार्यक्रम में कमाई का अड्डा में कोई भी बेफिजूल का ट्रेड अगर आप देखें बात भी नहीं की। देखिए हमने सिर्फ डिविडेंड चेक के बारे में बात करी, हमने ऑटो सेक्टर पर अगर आप देखें एक दो व्यू लिया, सेल्स एक्सपेक्टेशन की बात करी। मोटे तौर पर आप देखें तो कुछ लॉन्ग थे जिसपे आपको अच्छा स्विंग मिला, कुछ शॉर्ट थे जिसपे आपको अच्छा स्विंग मिला, और हम अपने साथ याद रखिएगा जो पुट कैरी कर रहे थे 74-75 रुपए के आसपास, निफ्टी की वो पुट 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है। तो ग्लोबल मार्केट्स में जो हो रहा है इस वक्त याद रखिएगा, आप सही थे, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप 17000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 17000 के पुट्स में काफी स्ट्रांग हुआ है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर है, ये 75 की पुट 100 हो गई है। और इस परिस्थिति में याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जिस प्रकार का डाउ फ्यूचर्स का बिहेवियर है और डाउ स्पॉट की जो क्लोजिंग थी कल की, उसके मुताबिक इस पुट को आपको कैरी करना चाहिए ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए। पिटी लाइट आपकी स्क्रीन पे लेके आइए, फ्लोइंग रिवर्स दे लो। लेकिन शायद जी बजाज ऑटो को देखिए आप, 3261 ह्यूज सेलिंग आपकी स्क्रीन पर, ये स्टॉक जो है अब जा रहा है। राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या है, शॉर्ट का जो जिसका व्यू था वो पैसा कमा रहा है, लेकिन लॉजिकल टारगेट क्या है ऑन द डाउन साइड? 3143-3140 पॉसिबल लग रहा है आपको? यही वो पॉइंट है जहां पे 2 दिसंबर 2020 को एक ब्रेकआउट आया था इस स्टॉक में। जी जी वीरेन जी, काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है स्टॉक का, और जिस तरीके से इसके मंथली चार्ट भी वीक होते जा रहे हैं, हमें लगता है कि स्टॉक में और यहाँ से 100 रुपए तक की डाउनसाइड और यहाँ से आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से अगर शॉर्ट का ट्रेड है या ऑलरेडी शॉर्ट का ट्रेड है कैरी किया हुआ है, तो उसमें स्टॉप लॉस को ट्रेड कर ले। स्टॉप लॉस ले आए फ्यूचर में करीब 3320 के आसपास, और नीचे की डाउनसाइड जो हमें लगती आ सकती है वो आना चाहिए करीब 3120 के आसपास। तो और भी यहाँ से 100-125 रुपए तक का डाउन साइड कटिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट ट्रेड को कैरी किया जा सकता है या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें यहाँ पे लगा है 3320 के आसपास। इसके बाद आप लेके आइए कुछ और स्टॉक्स जिनमें मुनाफा वसूली बढ़ती हुई, इसमें अगर आप देखें इंडसइंड बैंक ने एक दिन टिकने के बाद अगर आप देखें तो फिर सेल ऑफ अपना जो है वो थोड़ा भारी कर दिया है। प्रकाश सर ये बताइए, यहां पर ये जो 3 दिन की जो स्मॉल सी चैनल थी जो कि जिसका जो फ्लो लो की तरफ ही कर रही थी, लेकिन इस बार इसने 888 पर उसको भी अगर आप देखें वॉलिड कर दिया है, और आई थिंक वॉल्यूम तीनों ही कैंडल्स में काफी सिवियर थे। आपका टेक है एज अ शॉर्टिंग कैंडिडेट इंडसइंड बैंक? अलग देखना चाहिए, ये एग्जॉशन पैटर्न है 1200 के बाद, और 1000 के आसपास जो मिला करेक्ट मूव मिला, एक रनिंग करेक्शन था, उसे मूव मिला है डाउन।
आज शॉर्ट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक को, स्टॉप लगाइए 900 का, वल्नरेबल दिखेंगे, कहां तक जा सकते हैं, पॉसिबल 850। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बनता है। असित जी के पास एक शानदार ट्रेड है जो आपके सामने वो स्क्रीन पर प्रस्तुत करेंगे। असित जी, बिकवाली बढ़ती हुई, निफ्टी ने 17,000 वापस किया बाजार को और बैंक निफ्टी 225 अंक नीचे, क्या कीजिएगा? सर सर, बैंक निफ्टी के पुट हमें कैरी करना चाहिए, आई थिंक 35,800 का कॉल हम सॉरी पुट हम ले सकते हैं, अराउंड 320-330 लेवल पे चल रहा है अभी, स्टैगर्ड बेसिस में इसको ऐड करना चाहिए फ्रॉम 280-330 के बीच में। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली हेज देगा फॉर द एनी पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो फॉर एनी कैंड ऑफ नो ओवरनाइट रिस्क दैट वी माइट बी सीइंग। अपने अपने रिस्क के हिसाब से रसो को ऐड करना चाहिए, बट 35,800 का पुट हमें 280 में भी लेना चाहिए, 300 में भी लेना चाहिए, 320 में भी लेना चाहिए, एंड उसको स्टॉप लॉस रखेंगे 250, एंड फॉर अ टारगेट ऑफ क्लोज टू अराउंड 420-450 के बीच में हमें कल सुबह देखना चाहिए। रैशनल ये है कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, दीज आर ऑल लुकिंग वीक, सो पुट कैरी करना डेफिनेटली विल बी अ प्रूडेंट डिसीजन। आपके सामने 35,800 का पुट अभी 2 दिसंबर का 290 रुपए के आसपास चल रहा है और यहां पर अब खरीदारी की राय और आप इसमें डिफरेंट लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। काफी भारी बिकवाली ना सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में लेकिन अब फ्रंटलाइन काउंटर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वो भी आपको लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक 0.5% नीचे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 0.5% का आप कट देख रहे हैं, रिलायंस 1.3% नीचे और बिकवाली एचडीएफसी, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई में भी आते हुए। ये सूरत हाल वीरेन जी आपके सामने 3:07 पर, और जो शॉर्ट कॉल आपने टाटा स्टील पर ली थी असित जी से 1,088-1,089 पर, वो बेहतरीन काम करती हुई अभी आपके सामने प्राइस 1,074 है। वीरेन जी जी हाँ, शायद जी टाटा मोटर्स का अगर आप देखें लिक्विडेशन मोड में जाना और टाटा मोटर्स की अनवाइंडिंग शॉर्टिंग इंडिकेट करती है कि इस प्रेशर को मार्केट रियली अगर आप देखें इस वक्त हैंडल नहीं कर पा रहा है। लुक एट पीवीआर देलो की तरफ बढ़ता हुआ, पीआई इंडस्ट्रीज इस वक्त देलो की तरफ बढ़ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द एंटायर बैंकिंग स्पेस, वो भी अगर आप देखें देलो की तरफ बढ़ता हुआ, और याद रखिएगा ये कोटक का आज थर्ड अटेम्प्ट है टुवर्ड्स 100 डे में, और रियल स्टेट स्पेस में देखिए आप डीएलएफ ये भी डीलो की तरफ बढ़ता हुआ। तो मैं ज्यादा ट्रेड्स के बारे में बात नहीं करूंगा लेकिन यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज में जो हम बात कर रहे थे इस वक्त 1991 पे डीलो पे ट्रेड करता हुआ, अपोलो टायर्स पर डीलो पे ट्रेड कर रहा है, जरा एक बार मदरसन सुमी भी लिखे देखें जरा क्या कर रहा है जनाब। ये मदरसन सुमी कुछ देर पहले अभी राजेश पाली जी से इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था, मदरसन सुमी 211.40 पे आके ट्रेड करता हुआ डीलो की ट्रेजेक्ट्री में, तो प्रेशर है नो डाउट और 17,000 के लेवल्स को भी आपने सरेंडर कर दिया है। माइंट्री पर राजेश पालविया जी अब ये कैंडल झूल गई है और ये इसका अगर आप देखें जिस प्रकार का बिहेवियर है वो इंडिकेट करता है कि आज के आपने वॉल्यूम्स देखे राजेश पाली जी सेलिंग में वो ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम्स के ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स है, यानी जहां 10 शेयर ट्रेड होते थे वहां पर 13 शेयर ट्रेड हुए हैं आज। ये जो डाउनसाइड खुला है ये कहां तक ले जा सकता है स्टॉक को? 936,000 राजेश पाली जी माइंड फ्री श्रीकांत आपसे अगर ये प्रश्न पूछूं माइंड ट्री पे जिस प्रकार की वॉल्यूम से जिस प्रकार की कैंडल क्रिएट हुई है आपका व्यू क्या होगा? जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं उनमें आज हमने वापस एक प्रॉफिट टेकिंग देखी है, अभी थोड़ी देर पहले इंफोसिस बीएसएल में हमने एक बड़ा क्रैश देखा था, उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी बाकी मिडकैप आईपीओ वहां पे सेलिंग की एक शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि जो एमएससीआई का जो रीबैलेंसिंग है इसी वजह से इसमें इतनी भारी उठापटक हो रही है और इसी वजह से बड़े वॉल्यूम्स भी हमें देखने मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल जो कि प्रेशर है और मार्केट में भी कुछ 10-15 मिनट ही बचे हुए हैं तो शायद और थोड़ा वीकनेस बिल्कुल अभी देखने मिल सकता है। करंट लेवल से 4,270 के मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 4,150 से लेकर 4,100 के लेवल्स दिखा सकता है जहां पे इसमें एक मीनिंगफुल सपोर्ट है,
और अगर करंट लेवल से अगर शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 4310 रुपए का। श्रीकांत जी, आपका जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का शॉर्ट ट्रेड था वो भी अगर देखें बखूबी चलता हुआ और ये डील ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी हम कर रहे थे कि बहुत क्रिटिकल लेवल इस स्टॉक ने बोरेड कर दिया है, वो ट्रेड आपके बहुत अच्छे फ्रैक्शन से ग्रुप में है इस वक्त। एचयूएल शैल जी, आप समझ लीजिएगा कि 6 अप्रैल 2021 के सबसे लोएस्ट लेवल पे आ गया, 6 अप्रैल 2021 के बाद से। मतलब ये समझ लीजिएगा कि आज 200 डे में वॉलेट किया था इसने पोस्ट अर्निंग्स 19 अक्टूबर को, उसके बाद के अब तक के सबसे लोवेस्ट लेवल की इसकी क्लोजिंग आती हुई। तो डील ऊपर, और मेटल्स में आप देखें तो इस वक्त जेएसडब्ल्यू स्टील भी डील ऊपर है, 613 पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, एक बात तो आपको अगर आप देखें यहां पर माननी पड़ेगी कि प्रेशर है, और जेएसडब्ल्यू स्टील का ये जो ब्रेकडाउन है ये ताजा तरीन ब्रेकडाउन है, इट्स ए फ्लैट ब्रेकडाउन, इट्स ए 200 डे वॉल्यूशन इस वक्त 612। यहां पे कोई लॉन्ग पुट का व्यू है आपका राजेश पालवे जी? तो वीरन जी, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, हमने 610 की स्ट्रेंथ का पुट यहां पे लॉन्ग करने की सलाह दी थी, और हमें लगता है कि बिल्कुल ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये स्टॉक में 590 तक की भी डाउन साइड ओपन होते हुए दिख रही, तो 610 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन जिन्होंने भी लिया है अभी भी लेंगे यहाँ पे कैरी किया जा सकता है। हमें लग रहा है इस पुट ऑप्शन में 36-38 तक के अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 23 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 610 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन कैरी किया जा सकता है। ये रणनीति आपको 200 डीएमए पर जेएसडब्ल्यू स्टील में आती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जो हम लोगों ने कुछ समय पहले पकड़ा था वो मैं स्क्रीन पर वापस लाता हूं। डायरेक्टर साहब, टॉरेंट पावर दिखा दीजिए। हम लोगों ने यहां पर जब चर्चा शुरू करी तो 47-48 प्राइस था, अब 554 की तरफ बावजूद इस बिकवाली में ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, दिन का उच्चतम लेवल यहां पर, और ठीक ठाक ब्लॉक डील्स आपके सामने होती हुई दिख रही हैं। 3:12 हो चुके हैं, मोमेंटम ट्रेड्स की तरफ ध्यान देते हैं। सारे टेक्निकल पैनल को गुजारिश है कि अगर आपके पास ट्रेड देने की इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, इस बिकवाली को भी बाजार झेल लेगा। जब हमने तेजी के दिन देखे हैं तो ये मंदी के दिन भी नहीं रहेंगे। 17,018 पर आपके सामने फिलहाल बाजार, और हम लोगों ने जो 3 शॉर्ट कॉल्स ट्रैक करी हैं वो बखूबी काम करती हुई दिन के लोएस्ट लेवल पर टाटा स्टील, इंडालको और गोदरेज प्रॉपर्टीज। सबसे पहले रचना जी से जुड़ेंगे। रचना जी, बताइए कल के लिए क्या करना है? क्या एक कप चाय बेहतर है एक ट्रेड के अलावा? चाय ऑलवेज बेटर है एवरीथिंग से, बट जहां तक ट्रेड की बात है तो मैं ये कहूंगी कि मैं लॉन्ग जाना चाहूंगी एलकेएम लेबोरेटरीज पे, और एलकेएम के कैश के लेवल्स के हिसाब से यहाँ पे अगर 35-40 का लेवल अगर सस्टेन होता है तो ऊपर वाली साइड पे कल के दिन में हम 3650 एंड 3700 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये पहला ट्रेड आपको आता हुआ दिख रहा है रचना जी की तरफ से। अब ऐसा करते हैं, असित जी को जोड़ लेते हैं। असित जी, 3 या 4 कॉल्स आपने जो दी वो बखूबी काम करती हुई, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा स्टील, बैंक निफ्टी का लॉन्ग फ्यूचर, और आपने सुबह सुबह भी काफी बढ़िया ट्रेड्स दिए थे। अब बताइए घर क्या लेके जाना है? अगर कोई रिस्की ट्रेडर है, दे कैन गो शॉर्ट एंड माइंडट्री। माइंडट्री का भी प्राइस चल रहा है अराउंड 4312। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं 4330 का, फॉर ए टारगेट ऑफ इनिशियल टारगेट ऑफ 4250 के रेंज में। मुझे लगता है कि आईटी में थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है एंड माइंडट्री में स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो रहा है। बिलो 4300 इट विल बिकम लिटिल मोर वीकर, सो माइंडट्री इज अ शॉर्ट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4330। अगर ऊपर के रेंज में मिले तो इट विल बी इवन बेटर टू टेक अ शॉर्ट। माइंडट्री भी आप देखें, आप शॉर्ट कॉल लेके जाएंगे, आपके स्क्रीन पे माइंडट्री ट्रेडिंग डे लो। इस बीच भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स जिन्होंने कल के पुल बैक को जनरेट किया था, वो भी डे लो पर आके ट्रेड करते हुए। प्रकाश गवा सर, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? मुझे लगता है एसबीआई लाइफ पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, 1180 का टारगेट है और स्टॉक होगा 1150 एसबीआई लाइफ। ओके, एसबीआई लाइफ आप याद रखिएगा, 1150 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाने के लिए प्रेफर करेंगे। डे हाई पर अगर आप देखेंगे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवे जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड फॉर टुमारो?
तो वीरेन जी मेरा जो ट्रेड होगा वो कैश सेगमेंट से होगा, नारायण हृदयालय मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना और अपने प्रीवियस सिंह हाई को क्रॉस करते हुए स्टॉक दिख रहा है 603 के आसपास, अभी से बाय करें। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 590 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 630-640 तक के आते हुए दिख सकते हैं। और एक और कैश सेगमेंट में स्टॉक जो देख सकते हैं वो फिल्म पाइप, ये स्टॉक में काफी अच्छा बाइंग एक्शन लोअर साइड से रिकवरी का बना है। जिस तरीके से 210 के ऊपर अभी स्टॉक क्लोज हो रहा है इसे भी बाय किया जा सकता है 208 के स्टॉप लॉस से। टारगेट हम जो एक्सपेक्ट करें 220-222 तक के, इसमें टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा निफ्टी देखे आइए। याद रखिएगा जो लास्ट क्राइटेरिया था निफ्टी का वो था 16965। हालांकि हमने प्रीएम्प्ट किया था इस फॉल को डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए, मेटल्स की सेलिंग को देखते हुए। तो लास्ट अगर आप देखें, क्योंकि 17,000 की पुट में कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होती है, अमूमन आप 30 से 35 रुपए का अगर आप देखें तो एक फ्रैक्शन लेके चलते हैं किसी भी पुट के लिए, मतलब किसी भी पुट में अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है 35 पॉइंट का, अगर आप देखें फ्रैक्शन आप लेके चलते हैं कि भाई तब तक एक क्वेश्चन रहेगा। 17,000 की पुट 70-75 की वो पुट करीब 120 पे आके ट्रेड कर रही है। मैं फिर कहूंगा कल अपनी मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी में शामिल करूंगा इसको कि हम इसे लेके जा रहे हैं कम वक्त में, आज इसको हम लेके जाएंगे। 75 हमारा ब्रेक इवन था 118 पे इस ग्लोबल मार्केट के रिस्क को देखते हुए। और मयूरेश जी ये बताइए, आप इस बाजार को बाइंग के दृष्टिकोण से आपके पास कोई विकल्प है तो बताइएगा, वरना स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास विकल्प खुला है, या फिर आप नहीं कुछ हंटिंग करना चाहते हैं? मुझे आई थिंक हमारी मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है, थिंक थोड़ा साइड बेस या साइड लाइंस पे ही रहेंगे जब तक बाजार क्लैरिटी नहीं देता और बाजार डेटा पॉइंट्स पता के देता नहीं है। हालांकि आई थिंक अगर कोई बीटीएसटी देखना ही हो एंड प्योरली फ्रॉम अ बीटीएसटी एंगल, जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है आई थिंक उसको बिल्कुल फोकस में रखा जा सकता है। आई थिंक मेट्रोपोलिस एक बहुत शानदार उदाहरण है। हमारा जो की पिवट लेवल है एज पर दी ओवरऑल मेट्रोलॉजी 3240, उसको अच्छे खासे वॉल्यूम से इसने तोड़ा है आज ऑन दी हायर साइड विद वेरी गुड वॉल्यूम्स, और नंबर्स भी शानदार है। आई थिंक अगर आप नॉन कोविड नंबर्स देखिए 300 करोड़ के रेवेन्यू में तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। अगर कोविड के आंकड़े में मैं जोड़ू तो आई थिंक इबिट्टा मार्जिन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स या इन द नेक्स्ट क्वार्टर और सो आई थिंक 30-31% के आसपास रहने चाहिए। इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और जो रिटेल कारोबार है खास करके आई थिंक वो अच्छा खासा ये लोग बढ़ा रहे हैं, एंड रेवेन्यू पर पेशेंट की ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है। तो अगर आप देखें रेवेन्यू पर पेशेंट इज एक्चुअली ग्रोइंग एट 12-15%, और इसके वजह से आई थिंक उनकी जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है 550 करोड़ के, जो वर्किंग कैपिटल डेज है 8 के आसपास, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू इबिटा है 85% के आसपास, ये बैलेंस शीट को स्ट्रेंथ देता है। तो अगर बीटीएसटी लेना ही हो कोई जबरदस्ती नहीं है, बट आई थिंक डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में मेट्रोपोलिस शायद ध्यान में है। कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपने मेट्रोपोलिस को चुना, आपका चुनाव भी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस फिक्र के कारण अगर आप देखें हम गिर रहे हैं, उस फिक्र में बिल्कुल बेफिक्र अगर कोई स्टॉक है तो वह है मेट्रोपोलिस। वो स्टॉक है अगर आप देखें लाल पैथला, तो आपने उसको पिक किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें वाइट गुड सेगमेंट मजे लेता हुआ, पूरे जोर तरीके से मजे लेता हुआ, लुक एट वर्लपूल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक जो पिलर्स थे कल के पुल बैक के, और पिछले समय में हमने जितने भी पुल बैक देखे हैं उसके पिलर्स थे रिलायंस, उसके पिलर्स थे एचडीएफसी बैंक, उसके पिलर्स थे कोटक महिंद्रा बैंक, वो भी इस वक्त देलो के आसपास ट्रेड करते हुए। अच्छा रचना जी, आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, पीवीआर आप इसके पिछले 3 दिन के वॉल्यूम्स की टेंडेंसी को देखिए, 1364 अभी कल की बॉडी के नीचे अगर आप देखें जहां पर इसने समर्थन लिया था उसके नीचे ट्रेवल करता हुआ, यानी लॉन्ग पुट थॉट और कोई शॉर्टिंग का आइडिया पीवीआर पे? कैरी नहीं करने को मैं बोलूंगी ऑन शॉर्ट साइड, लेकिन अगर कल के दिन में मार्केट इस तरीके का रहता है तो फ्रेश शॉर्ट मार्केट के खुलने के बाद देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जो कल एक पैनिक बॉटम टाइप पुटिंग हुआ है इन द इंडेक्स एंड इन मेनी स्टॉक्स, तो उस लेवल को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वो जब तक सस्टेन रहता है तब तक सम अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन के बाद हम थोड़ा अपस्विंग का भी नजारा आउटलुक बना सकते हैं। एंड जहां तक डिलीवरी की बात है तो से अवॉइड दैट। जी एक ट्रेड जरा स्क्रीन पर लेके आइए डेट साहब, आरईसीएल
ये भी पावर क्षेत्र से जुड़ा हुआ काउंटर है और यहां का जो आप बार देखेंगे तेजी का वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 136.50 का प्राइस और 8 करोड़ शेयर की वॉल्यूम आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर जो MSCI रीबैलेंसिंग हुई है वहां पर आप देखिए जो सेलिंग की उम्मीद थी वो सब हो चुकी और अब वापस यहां पर लॉन्ग साइड पर ट्रेड बनता हुआ। ताबड़तोड़ गिरावट बाजार में, निफ्टी अब 105 अंक नीचे 16950 के नीचे। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी क्या रणनीति? देखिए अगर यहां से अगर कोई बीटीएसटी ट्रेड लेना तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहां पर हम एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं और हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में लगातार एक वीक वाली बनी है। करंट लेवल से अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर शॉर्ट करते हैं तो जो इसके 200 दिन के एवरेज है वो तकरीबन 81-82 के करीब के है, तो काफी अच्छा एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 87.50 के स्टॉक लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा को शॉर्ट करें और टारगेट्स रखें 82 रुपीज का। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आप देखें तो ये भी एक शॉर्ट कॉल है आपके स्क्रीन पर और इस बीच याद रखिएगा बजाज ऑटो और स्लिप होता हुआ और सिंक होता हुआ हमने एक पुट ली थी याद रखिएगा बड़े कन्विक्शन के साथ। और मैंने और अगर आप देखें राजेश परवेजी ने डिस्कशन किया था कि आप मदरसन सुनी कि जनाब ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है और ये 200 दिन के नीचे क्लोज हो रहा है पोस्ट आई थिंक 29 अक्टूबर 2020। प्लीज 210 का पुट ऑप्शन लिखाई मदरसन सुमी का और मदरसन सुमी का वो 210 का पुट ऑप्शन था करीब 9 रुपए का देखिए 15 पैसे के आसपास वो मेरे ख्याल से 10.50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। राजेश पालवी जी कैरी करना चाहिए इस ट्रेड को? इधर कैरी करना चाहिए, स्ट्रक्चर तो वीक हो चुका है, हमें लगता है 199 तक का डाउनसाइड यहाँ पे ओपन हो चुका है, वहां तक ये स्टॉक और स्लाइड होते हुए दिखेगा तो कैरी कर ले इस पॉइंट को, ट्रेलिंग कर ले, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लिया है 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट वही हम जो सजेस्ट किए थे करीब 17-18 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस पुट ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। इस पुट को कैरी करिएगा। एक स्टॉक और देखिए टाटा पावर 216 के स्तर पर आप देखें तो अभी तक ये स्टॉक जो है वो बहुत सधा हुआ है, बहुत पेशेंटली आप देखें इस पूरे फॉल को देखता हुआ अपनी जो इस स्टॉक की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है अभी भी आप देखें उसी में ट्रेड कर रहा है। ट्रेजेक्ट्री मतलब जिस जोन को अगर आप देखें इसने हासिल किया था 12 अक्टूबर को 216 के ऊपर का जोन उसको अभी भी ट्रेड करता हुआ। पीएनबी आपके स्क्रीन पे डेलो पर बढ़ता हुआ, इंडसइंड बैंक अगर आप देखें जो हमने शॉर्ट का व्यू देखा था वो बखूबी काम करता हुआ डेलो पर इंडसइंड बैंक और BPCL। आज अगर आप देखें एक रिपोर्ट UBS की थी इस पर क्योंकि ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ये स्टॉक भी डेलोप की तरफ बढ़ता हुआ, हालांकि याद रखिएगा बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ इसमें, ये कल के लो की ट्रेजेक्टरी के पास ही है अभी भी अगर आप देखें तो, लेकिन पेन तो है पूरे बाजार में। NMDC आपकी स्क्रीन पर डेलो पर, टाटा पावर डेलो पर, पेट्रोनेट अगर आप देखें तो इस पर डेलो पर आके ट्रेड करता हुआ तो दिक्कत का सबब इस वक्त है। कोई और थॉट श्रीकांत साहब, कोई ट्रेड जो अगर आप कल के लिए कैरी करना चाहें या फिर एटलीस्ट कोई डीप आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन किसी स्टॉक में या फिर किसी इंडेक्स में लेना चाहें? हाँ, मुझे लग रहा है कि जो मार्केट की आज की क्लोजिंग है उसमें अगर आप देखें तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शायद मार्केट एक बार जो इसके प्रीवियस लोज थे 16,780-16,790 उसे रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद हमें रियली पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जैसे कि आज मार्केट ने ऊपर के लेवल को जो रिटेस्ट किया है जहां पे इसने एक अच्छा खासा एक बेरिश गैप छोड़ा था तो ये इंडिकेट करता है कि और भी आने वाले दिनों में वीकनेस है और अगर किसी तरफ अगर लॉन्ग का अगर कोई ट्रेड अगर बनाना है तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी पे फोकस करें क्योंकि कल के दिन में जो बाइंग आई थी उसके बाद जो लार्ज कैप कंपनीज है जैसे कि TCS इंफोसिस वहां पे अभी भी एक तेजी का एक मोमेंटम बना हुआ है तो वहां पे हम तेजी कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से बाकी जितने भी सेक्टर है सभी में एक डिक्लाइन का प्रेशर बना है और स्पेशली मेटल स्टॉक्स जहां पे आप टाटा स्टील ट्रैक कर रहे हो, हिंडाल्को ट्रैक कर रहे हो, वहां हमें लगता है कि एक बार हम पुट ऑप्शंस लेके जा सकते हैं। याद रखिए टास्क की पुट आपके पास है ही, ऐसे इतना देखें वो शेयर किया था आपके पास वो पुट है रखिए और ये जो अभी जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए मदरसन सुमी टाटा स्टील JSW स्टील ये वेल बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे वीकनेस है तो है। देखिए आपने बुलरन का फायदा उठाया मजे लिए तो ठीक है, अब आप ये गिरावट है तो वो भी आपको फेस करनी पड़ेगी। ये सारे के सारे स्टॉक्स डेलो पर हैं। हीरो मोटोकॉर्प की गिरावट देखिए, यतिन ने अभी आपको कुछ देर पहले जो ऑटो नंबर्स के एक्सपेक्टेशन थी उसमें जाहिर ही कर दिया था कि रिवर्स में अगर आप देखें मायूसी आपको मिलेगी। 2444 पर आप देखें पिडिलाइट इस वो ये हीरो मोटोकॉर्प डेलो पर ट्रेड करता हुआ, पिडिलाइट मेरे स्क्रीन पे अपीयर हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिया। 2290 पे इसका 4 दिन पहले
पहले जब वॉलेट हुआ था 100 डे में, उसके बाद छोटा सा पुलबैक सुबह है, लेकिन वो भी सेल ऑफ में तब्दील हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे किसी शॉर्ट कॉल पे अगर आप देखें टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि कल की लोअर शैडो काफी बड़ी थी, अभी ये उससे थोड़ा दूर है। शैल जी 16941 वी आर अ डे लो। वीरेंद्र जी 5 मिनट बाजार में बचे हैं बंद होने को। टाटा स्टील आपके सामने 1063 पर है, ध्यान दीजिए 1088-87 पर आपको यहां पर एक शॉर्ट कॉल आती हुई दिखी थी। वेदांत आपके सामने 337 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही बढ़िया मूव आपने आज बीपीसीएल में देखा था, हरे निशान की तरफ एक बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट यहां पर आती हुई, लेकिन सेलिंग प्रेशर यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ। दिन का उच्चतम लेवल 380 और अब आपके सामने लाल निशान में 368 पर यह काउंटर बहुत ही दयनीय स्थिति में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बीपीसीएल अगर आप देखें, क्योंकि डाइवेस्टमेंट पर अब यहां पर एक हल्का सा विराम लगता हुआ दिखा है, तो आपके सामने फरवरी 2021 के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल लाइए डायरेक्ट साहब, ये जो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग है ये बाजार पर बहुत भारी पड़ती हुई। भारतीय एयरटेल में आपने 725 का प्राइस देखा है और यहां पर दिन का उच्चतम लेवल था लगभग समझिए 750। आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर 2318 पर, और हेवी वेट्स में आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिन के न्यूनतम लेवल पर चल रहा है। हीरो मोटर्स और बजाज ऑटो दिसंबर 2020 और मई 2020 के लोएस्ट लेवल्स पर चलते हुए दिख रहे हैं। इतना बेकार सेंटिमेंट टू व्हीलर स्टॉक्स के लिए आपने बहुत समय बाद आता हुआ देखा है। बाजार बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट और 16956 आपके सामने आज निफ्टी का आता हुआ दिख रहा है। 95-96 अंक का लाल निशान, और आप ये ध्यान दीजिए कि दिन का उच्चतम लेवल था 16317, तो 317 अंक और 50 अंक आप समझ लीजिए बाजार ने वापस लिए हैं। कुल मिला के 350 अंक दिन के उच्चतम लेवल से निफ्टी करेक्ट करता हुआ। बैंक निफ्टी आपके सामने 35,565, 411 अंक नीचे, और आज जो दिन का उच्चतम लेवल था वो था 36,717, 1,000 पॉइंट कटते हुए दिन के ऊपरी सतह से। वीरेन जी जी, तो एक बहुत ही नकारात्मक क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त डीएलएफ, नौकरी, इन्फो एच, बंधन, कोलगेट, जिस स्पेस को ले लीजिए जरा आप, जिसका नाम लीजिए वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग है। और आज की प्रॉफिट बुकिंग में, आज की गिरावट में एक बात अगर आप देखें महत्वपूर्ण है कि स्ट्रांग पिलर्स के जो थे मार्केट्स के, लाइक भारतीय एयरटेल, लाइक रिलायंस, लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी डे लो की तरफ और एक खराब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए। और एचडीएफसी की सेलिंग, बजाज फाइनेंस की सेलिंग, एचडीएफसी बैंक की सेलिंग, ये एक बहुत स्ट्रांग रिफ्लेक्शन है कि आज स्पेशली जो सुबह के एक बहुत स्ट्रांग पुलबैक के बाद सेलिंग आई उसको स्पॉन्सर, उसके अगर आप देखें जो सेलिंग आई थी वो सदन से आई थी एफआईएस के। आपकी स्क्रीन पे निफ्टी इस वक्त करीब करीब 16956 पे, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 450 अंक नीचे। आईटी इंडेक्स एक एडवांटेज था लेकिन थोड़ा सा धूमिल हो गया आखिरी में, वो एडवांटेज लगभग 3/4% ऊपर रहा आज। और निफ्टी मिड कैप लगभग 1/3%, यानी शुरुआत में जो बढ़त काफी शानदार थी वो अंतिम दौर तक आते आते अगर आप देखें तो बट गई और बुल्स और बेयर्स के बीच में। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखें आज इवनली पॉइस्ड रहे बेयर्स इन फेवर ऑफ बुल्स एंड बेयर्स, लेकिन अगर आप अंतिम दौर में आके देखें तो ये झुकाव जो था वो बेयर्स की तरफ बढ़ता हुआ। आपकी स्क्रीन पर 16966 निफ्टी का स्तर, निफ्टी बैंक करीब करीब 35568। बैंकिंग में आज कोटक महिंद्रा बैंक ने सुबह सुबह खुलते साथ अगर आप देखें वीकनेस देखी, बहुत वीक स्ट्रक्चर्स लाइक एक्सिस बैंक वहां पर अगर आप देखें शुरुआती क्षणों में कुछ शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन वो भी अगर आप देखें आखिर तक जाते जाते बिल्कुल स्क्रीन से अगर आप देखें डिसअपियर हो गई, धूमिल हो गई। आइए एक बार देखते हैं वो स्टॉक्स जो कि आज उनका गिरना थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, लेकिन वेदांता, वेदांता एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था विदिन द मेटल स्पेस, लेकिन आज वेदांता भी अगर आप देखें तो आज सॉफ्ट होकर 337 पे क्लोज होता हुआ। टेक साहब स्क्रीन पे लिखा एक बार हीट मैप जरा देखते हैं क्लोजिंग के वक्त निफ्टी का हीट मैप किस प्रकार का रहा। और मेटल्स याद रखिएगा ठीक करीब करीब 2:28 के आसपास जब हमने वो पुट ऑप्शन लिया था मेटल्स से गिरावट शुरू हुई, लकड़ा स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, हिंडाल्को, तो मेटल्स टू व्हीलर स्पेस के अगर आप देखें स्टॉक्स बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने आज डाउनसाइड को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं खोला। बाकी अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक, एमएनएम, हिंडाल्को, हीरो मोटर कॉर्प, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आयशर मोटर्स यहां पर शॉर्टनेस रही। आयशर, एसबीआई, मारुति और एचडीएफसी लाइफ और यूपीएल अगर आप देखें कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आज के बाद एसपी लाइफ आज मजबूत बंद हुए। मार्केट शट लगभग 16972 पे,
निफ्टी फ्यूचर्स एज पर द प्रोविजनल क्लोजिंग, अगर आप इस वक्त मैं आपको जरा बैठे साहब स्क्रीन पर लिखाइएगा निफ्टी फ्यूचर्स इन स्पॉट क्लोजिंग के वक्त करीब करीब 28 और आप समझ लीजिएगा कि आप 60 पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर्स में प्रीमियम। अभी कुछ देर रुक जाइए, ये शायद एडजस्टेड जब फिगर आएगी तब मैं बोलूंगा, लेकिन इतना बड़ा प्रीमियम जो है वो एक क्लियर कट संकेत है, क्लियर कट संकेत है कि आखिरी में सेलिंग काफी थी, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी जिसने स्पॉट पर प्रेशर डाला और वो प्रेशर मार्केट अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में जो था यूएस फ्यूचर्स स्पेशली जो रिफ्लेक्ट कर रहे थे उसको हैंडल नहीं कर पाया। तो शैल जी अगर आप देखें तो आज सुबह ठीक हुई थी, मध्य सेशन तक ठीक ठाक थे, लेकिन डाल फ्यूचर्स दबाव वाकई होता है और स्क्रीन पर विजिबल था। शैल जी वीरेन जी, आज हमारे विदेशी मित्रों का जो आंकड़ा होगा ना बिकवाली का वो देखते ही बनेगा। मेरे सामने कम से कम 20 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने 1,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग देखी है और टाटा पावर फिलहाल आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर रहा है, 4,870 करोड़ यहां पर आज को ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा और ये लाल निशान है। मुझे याद नहीं आता कि इतने सारे, देखिए कम से कम 5 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको 3,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखा है, 3,000 से 3,890 करोड़, और पांचों के पांचों लाल निशान के हैं। ये है माइंडट्री, SRF, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस और गोदरेज प्रॉपर्टीज। कम से कम 5 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर 2,000 से 2,900 करोड़ की सेलिंग होती हुई दिखी है और ये है HDFC, इपका लैब, इंफोसिस हरे निशान में और IRCTC हरे निशान में। तो यहां पर ये सूरत हाल है और आज का FII नंबर जो होगा वो वाकई भयावह होगा। देखते हैं क्या ये आपके सामने बिकवाली कल भी चलती हुई दिखेगी, लेकिन फिलहाल बाजार को थैंकफुली आज यही समाप्त करते हैं। 16,983 आपके सामने निफ्टी 70 अंक नीचे, यहां पर आपने दिन का उच्चतम लेवल 17,315 देखा था, तो लगभग 350 पॉइंट यहां पर बेयर्स उखाड़ते हुए। निफ्टी बैंक 35,695, 281 अंक का लाल निशान और उच्चतम लेवल यहां था 36,770। थैंकफुली निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ है, 100 पॉइंट ऊपर 29,616 पर। वीरेन जी चलिए शैल जी, कुल मिला के इस सेशन का भी अंत हुआ जिसका शुरुआती हाफ जो था वो बुल्स के नाम था और सेकेंड हाफ जो था मंदिरों के नाम रहा, लेकिन आज का सेशन यकीन मानिए यूएस मार्केट में बहुत ही क्रिटिकल है। पिछले 6 महीने का सबसे क्रिटिकल सेशन आज यूएस मार्केट्स देखेंगे, उसका एक प्रतीक डाउ फ्यूचर्स लगभग 550 पीछे है। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, बुधवार के दिन नई उमंग नई तरंग और कुछ ट्रेड्स का लॉजिक लेके करेंगे आप और मैं फिर मुलाकात शैल जी के साथ मुनाफे की तैयारी में। 8 बजे तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.